ओके 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 ओके, क्या बात है, आ गए हमारे बच्चे मेंटी खेलकर अभी सैंपल पेपर सॉल्व करने के लिए। जज्बा देखिए हमारे बच्चों का। बोर्ड एग्जाम में तबाही मचाने का जज्बा। प्रैक्टिस तो लगेगी है ना, कंपटीशन लेवल में भी आपको थोड़ा नजर डालनी पड़ेगी। पता चल गया होगा कि आज जो मैंने 5 क्वेश्चन पूछी उससे आपको पता लग गया होगा कि 5 में से आप कितने क्वेश्चन के आंसर दे पाए। 25 सेकंड आपको अगर कम लगे, एक क्वेश्चन के लिए मैंने आपको 25 सेकंड दिया, अगर आपको 25 सेकंड कम लगे थे सो याद रखना प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं आपकी कमी हो गई। ठीक है, क्वेश्चन के लिए आपको अगर 25 सेकंड कम लगे तो समझ जाओ कि आपकी ग्रामर की प्रैक्टिस में कहीं कमी रह गई है। प्लीज प्रैक्टिस में फोकस करिए, हो जाएगा। ठीक है, अभी हम मेंटी क्विज को कर देते हैं थोड़ा सा साइड में। वो तो कल रात 8:30 बजे फिर से आएगा, फिर से खेल लेंगे, फिर से कर लेंगे टॉप। क्या हो गया, चलते रहेगी कहानी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम आते हैं हमारा जो 80 मार्क्स का सैंपल पेपर सॉल्व करने की जो गाड़ी छुक छुक करके स्टार्ट हुई थी 1 हफ्ते पहले, आज पहुंच चुके हैं हम 7वें पेपर पर। कैन यू बिलीव दिस, 7 पेपर 80 मार्क्स के हमने सॉल्व किए। बस 3 पेपर और, बस 3 पेपर और फिर लास्ट में आपको फोड़ देना है बोर्ड पेपर में डायरेक्टली। ठीक है, चलो जी देखते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हो आप लोग, कुछ कुछ बोलना चाहते हो क्या, क्या हो गया? अप्रिसिएशन पे बहुत डिमांड कर रहे हैं आप लोग, अचानक क्या हो गया? ठीक है ठीक है, अप्रिसिएशन का मैं कुछ जुगाड़ करके आपको दूंगी। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत मत। क्या हो गया सब, अचानक अप्रिसिएशन को लेके क्यों इतना डर गए हो? ठीक है, थैंक यू, अच्छा है आप सबने बता दिए। मैं आपके सामने जो है आटो पोयम के अप्रिसिएशन आपको दे दूंगी, इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगी फिर से। अगर आप, मैंने अपलोड की हूं बट बहुत पहले करी हूं, फिर से कर दूंगी। ओके, टेंशन मत लो, मैराथन होगा, क्वेश्चन बैंक सॉल्विंग होगी, सारी डिमांड पूरी होगी आपकी। ठीक है, डोंट वरी, हूं मैं इधर पे। आपको बोली थी कि एंड तक रहूंगी, जो भी आपकी चीजें होगी, आपको एक्सप्लेनेशन के अलावा जो भी एक्स्ट्रा चीजें लगती है मैं सब कुछ करके दूंगी, सब कुछ होगा, तो टेंशन मत लो। ठीक है, नॉवल के आंसर मिल जाएंगे, एप्रिसिएशन मिल जाएगा, मैराथन मिलने वाला है आपको, महामैराथन नॉवल और राइटिंग स्किल का। ठीक है, चैप्टर पोयम का नहीं लेने वाली हूँ, ग्रामर का नहीं लेने वाली हूँ क्योंकि उसका ऑलरेडी हो चुका है। और क्या मिलेगा, क्वेश्चन बैंक सॉल्विंग। लेकिन क्वेश्चन बैंक सुनो गौर से, बहुत सारे बच्चों से डिमांड किए कि क्वेश्चन बैंक करा दो, क्वेश्चन बैंक करा दो। तो मुझे क्या लगा कि क्वेश्चन बैंक करना, चलो कर लेते हैं बट पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन बैंक के हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे, जैसे कि अपने को लगता है कि ग्रामर में प्रैक्टिस चाहिए, ग्रामर में प्रैक्टिस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक के अंदर जितने भी ग्रामर क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बैंक के अंदर जितने भी राइटिंग स्किल्स है उसको देखेंगे। ओके, और क्वेश्चन बैंक के अंदर जितने भी नॉवल के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन आंसर, जैसे चैप्टर पोयम के, पोयम बनाना, ये वो, तो अपन सैंपल पेपर में कर ही रहे, उसके लिए इतनी जरूरत नहीं है। और अगर वो करने बैठ गए तो फिर हो गया भाई क्योंकि बहुत लेंदी है। ठीक है, तो याद रखना क्वेश्चन बैंक में हम क्या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ग्रामर, राइटिंग स्किल एंड नॉवल, क्योंकि यही 3 कैटेगरी में आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। बाकी सारे क्वेश्चंस आप पैराग्राफ में से ढूंढ के लिख लोगे। ठीक है, तो ये अपना होने वाला है बहुत जल्द, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आप जो अप्रिसिएशन के डिमांड कर रहे हो वो भी दे दूंगी। ठीक है, चलो अभी बढ़ जाऊं मैं आगे। चलो आ जाते हैं अभी फाइनली अपना 7th सैंपल पेपर इंग्लिश सब्जेक्ट का। पैराग्राफ्स आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, सीन पैसेज, 1 मिनट। हाँ चलो, अभी यहाँ पे ध्यान दो, जल्दी यहाँ पे ध्यान दो, अब कोई इधर उधर की बातें नहीं करेगा, पूरा फोकस जो आज का सेशन है सैंपल पेपर सॉल्व करने में उसमें लगाओ। ठीक है, बोल दी ना हो जाएगा, तो प्लीज अभी फोकस यहाँ पे रखो। जो भी डिमांड होगी मुझे कमेंट सेक्शन में कर देना, भी लाइफ में मत करो प्लीज, क्योंकि मैंने बोल दी हूं हो जाएगा तो हो जाएगा, अभी प्लीज सेशन में फोकस कीजिए। तो चलिए, अपने सामने पैराग्राफ आया है, और पैराग्राफ रीड करने से अपने को क्या पता चल रहा है, ये भाई ये तो अपना चैप्टर नंबर 3, द कॉप एंड द एंथम, सोपी का
चैप्टर है। ओहो हो, मजा आ गया, सबसे इजी और सबसे खतरनाक चैप्टर। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन अपने को पूछा गया है। ए वन, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द प्रॉपर वर्ड्स। क्या क्वेश्चन है? सोपी वॉन्टेड टू एंटर इन डैश सो डेट ही विल बी एबल टू गो टू विंटर आइलैंड। सोपी को किधर पे जाना था ताकि वो जेल में जा पाए? बताओ क्या इसमें आएगा? फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक। सोपी को किधर पे जाना था? कौन बताएगा आंसर? जेल। क्वेश्चन गौर से सुनो क्या है। देखो विंटर आइलैंड का मतलब है जेल। सोपी को जेल जाना था, उसकी वजह से वो कहीं पे जाके कुछ कांड करने की सोच रहा था। तो वो क्या था? रेस्टोरेंट। ठीक है, रेस्टोरेंट या लग्जूरियस कैफे लिखोगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे पैराग्राफ का आंसर। रेस्टोरेंट इसका आंसर रहेगा। ठीक है, वो रेस्टोरेंट जाता, उधर पे फुकट का खाना खाने का उसका प्लान था कि मैं फुकट का खाना खाऊंगा, बिल नहीं दूंगा और फिर मेरे को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो मैं तो भाई ठंडी से इधर पे रास्ते पे सोता हूँ, मेरे को तो बैठे बैठे जेल में 3 महीना खाना दिया जाएगा। भले ही मैं प्याज रोटी खाऊंगा लेकिन पेट तो भरेगा और छत तो मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर अपना क्या रहेगा? रेस्टोरेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोपी वॉन्टेड टू ईट। सोपी को रेस्टोरेंट में जाके क्या खाना था भाई? क्या सपने सजा रहा था वो? क्या मैं खाऊंगा? इधर पे देखो, अ रोस्टेड मलाड डक। अरे भाई मलाड डक यानी बतक, अपन चिकन ये सब खाते ना, तो ऐसा वो बतक खाएगा रोस्टेड वो भी। और क्या खाएगा? इधर पे देखो, बॉटल ऑफ वाइन। ओ दारू पिएगे जनाब, चीज खाएगे, कप ऑफ कॉफी पिएगे और सिगार भी पिएगे। सपने सुहाने हैं लड़कपन के, लेकिन बेचारे का पूरा नहीं हुआ सपना। तो ये सारी चीज अपन इधर पे लिखेंगे कि सोपी को ये सारी चीजें इधर पे खानी थी। ठीक है, अच्छा ईट है, सॉरी यहाँ पे ईट है ना, तो ईट में जो भी चीज खा सकता है वो, और ड्रिंक में तो वाइन पीना था उसको, तो वाइन इधर पे आ जाएगा। ठीक है, सोपी कुड नॉट गेट दी एंट्री इन दी लग्जूरियस कैफे एज अ हेड वेटर नोटिस हिज। सोपी जो है बेचारा, उसके सपने चूर चूर हो गए और वो लग्जूरियस कैफे में एंटर नहीं हो पाया क्योंकि वहां के वेटर ने क्या नोटिस कर लिया, क्या नोटिस कर लिया? He saw his tattered trouser and decadent shoes, फटी हुई पैंट और फटे हुए शूज। ठीक है, फटी चटी पैंट पहन के जनाब 5-star होटल में जा रहे हैं तो वहां का होटल भगाएगा ना उसको, तो ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, क्योंकि होटल वाले ने उसका फटी हुई पैंट और पुराने फटे हुए जूते देख लिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सोपी हैड कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ एज फार एज द एंट्री इन लग्जीरियस कैफे इज कंसर्न। लग्जीरियस कैफे जाने में सोपी को कहीं ना कहीं खुद में कॉन्फिडेंस था। ये बात आप क्या बोल के साबित कर पाओगे मुझे बताओ? पैराग्राफ आपके सामने है, क्या बोल के आप साबित कर पाओगे कि सोपी को खुद पे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था कि मैं ये लग्जूरियस कैफे में 5-star होटल में घुस सकता हूं? यस यस, वाइन कॉफी एंड सिगार आप लिख दो इसमें। देखो वाइन पीते हैं, कॉफी ऑफ कोर्स पीते हैं, सिगार भी पीते हैं, खाते तो नहीं है ना सिगार को, तो ये तीन चीज ड्रिंक में आएगी। और मलाड डक क्या है? मलाड डक आएगा अपना खाने में, ईट में। ओके, बिकॉज ही इज वेल ड्रेस्ड। और प्रॉपर आंसर लिखना है, देखो इधर पे है, सोपी हैड कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ बिकॉज द लोवेस्ट बटन ऑफ हिज वेस्ट अपवर्ड ही वॉज शेवन, हिज कोट वॉज ट्रिम्ड एंड हिज नीट ब्लैक बो हैड प्रेजेंटेड टू हिम बाय अ लेडी मिशनरी ऑन अ थैंक्सगिविंग डे। यहां से लेके यहां तक आंसर रहने वाला है। ऊपर से तो जनाब बहुत ही अच्छे लग रहे थे, मजे से शेव करके, नहा धो के, टाई लगाकर, कोट पहन के रेडी थे, बट नीचे से हालत खराब थी, फटी हुई पैंट और फटे हुए जूते। तो ऊपर से कॉन्फिडेंस था क्योंकि टेबल तक ही बैठना था जाकर, टेबल के नीचे पैंट थोड़ी दिखती है ना, तो ये वाला अपना आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सोपी थिंग्स डेट द रूट टू द कोवेटेड आइलैंड वॉज डिफिकल्ट. याद रखो कोवेटेड आइलैंड अपना यहाँ पे जेल है, ठीक है. तो सोपी को अचानक से ऐसा क्यों लगने लगा कि जेल जाना तो बहुत मुश्किल है. सोपी थिंक डेट रूट, जेल में जाने का रास्ता ही से डिफिकल्ट, मुश्किल है. क्यों, ऐसा क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट नूर, बिल्कुल सही आंसर दिए हो. यस, बिकॉज उसके क्या हो रहे थे, उसने सोचा था मैं लग्जूरियस कैफे में जाऊंगा और उसको निकाल के फेंक दिए, और फिर उसके बाद भी उसके बहुत सारे प्लान फेल होते जा रहे थे, बैक टू बैक अलग अलग प्लान वो फेंक रहे, सारे प्लान अनसक्सेसफुल हो रहे, ठीक है. पहले मैं जाऊंगा 5-स्टार होटल में लंच खाऊंगा, वहां से उसको भगा दिए. दूसरा प्लान कि मैं पत्थर मारूंगा विंडो में, वहां पे उसको पुलिस ने अरेस्ट नहीं करी. तीसरा प्लान एक नॉर्मल होटल में जाके डिनर करूंगा, वहां पे भी वेटर ने उसको अरेस्ट नहीं किया. फिर वो शराबी की तरह बिहेव करने लगा, तब भी उसको अरेस्ट नहीं किया गया. अम्ब्रेला चुराया, तब भी उसको अरेस्ट कर नहीं गया. तो पांच उसके प्लान थे, पांचों प्लान फ्लॉप हो रहे थे. तो उसको ऐसा लग रहा था कि भाई जेल जाना इज नॉट इजी, इट इज अ डिफिकल्ट थिंग, ठीक है. तो ये इसका रीजन रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट टू रीजन फॉर सोपी विच वॉन्टेड टू एंटर द कैफे. सोपी को ना कैफे जाना था, कैफे मतलब वो यहाँ 5-स्टार होटल वाली जो लग्जीरियस होटल थी. ये लग्जीरियस होटल जाने के पीछे सोपी के दो रीजन थे, दो रीजन. वो दो रीजन क्या है बताओ. एक रीजन तो अपने को पता है, एक रीजन तो पता है कि भाई 5-स्टार होटल जाएगा, बिल नहीं भरेगा खाकर तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा. तो ये तो पहला रीजन है, ठीक है, जेल जाने वाला प्लान उसका सक्सेसफुल हो जाएगा. और दूसरा रीजन क्या है? यस, पेट भर के खाएगा, खाना भी तो मिलेगा ना. सुबह से बेचारा भूखा बैठा हुआ है, तो फुकट का खाना खाने भी मिल जाएगा और जेल जाने का प्लान भी पूरा हो जाएगा, ठीक है. तो क्या दो रीजन क्या है कि फुकट का खाना खाने मिल जाएगा और जेल जाने भी मिल जाएगा क्योंकि वो बिल नहीं भरेगा, ठीक है. तो दो रीजन अपने हो गए. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज नॉट गुड टू गो एंड स्टे इन प्रिजन, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट. ये अच्छी बात नहीं है कि यार हम जेल में जाए और जेल में रहे. जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, ऑफकोर्स जो जेल जो है वो क्राइम करने वालों के लिए बनी है. जबरदस्ती हम जेल में जाके रहेंगे तो क्या होगा, वो अच्छी बात नहीं है. तो पहले तो अपना रिस्पेक्ट डाउन होगा, है ना, रिस्पेक्ट अपनी नहीं रहेगी, अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा क्योंकि हम दूसरी चीज में नहीं जा पाएंगे अगर हम जेल में बैठे हुए हैं तो, है ना. वहां पे जाके हाँ नाम खराब ऑफकोर्स, है ना. तो यहाँ पे दो मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप लिख देंगे अकॉर्डिंग टू मी एज फार एज माई पॉइंट ऑफ व्यू, एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, एक है एज फार एज आई हैव सीन इन माई परस्पेक्टिव, आई फर्मली बिलीव. ये सारे फ्रेज में से कोई भी एक फ्रेज का इस्तेमाल करके आप अपना पर्सनल रिस्पॉन्स का आंसर स्टार्ट करके आपको जो लिखना है लिख देना, ठीक है. चलो अपन आते हैं A5, जल्दी से सॉल्व करके ग्रामर का क्वेश्चन. चलो क्या है, इफ ओनली ही कुड रीच अ टेबल इन द रेस्टोरेंट अनसस्पेक्टेड सक्सेस वुड बी हिज, रिराइट यूजिंग अनलेस. ये वाले क्वेश्चन में अपने को अनलेस लगाना है और सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है. एक चीज हमेशा याद रखना, अनलेस ये वर्ड खुद में एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है. नेगेटिव वर्ड है ये. तो बताओ कौन सा ऑप्शन चूज करोगे. देखो हमेशा याद रखना, अनलेस अगर आपके क्वेश्चन में आ रहा है या आंसर में आ रहा है, जो भी रिप्लेसमेंट तो कुछ भी हो सकता है, तो उसका रिप्लेसमेंट क्या है, इफ. तो अपना क्वेश्चन देखो, इफ हट जाएगा आंसर में, इफ हट जाएगा क्योंकि अनलेस आने वाला है ना. तो देखो अनलेस चारों में अनलेस ही अनलेस 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 हो करके, अनलेस ही कुड रीच अ टेबल इन द रेस्टोरेंट अनसस्पेक्टेड सक्सेस वुड बी हिज. ओके रुक जाओ,
क्वेश्चन का मतलब क्या है, इफ ओनली ही कुड रीच अ टेबल इन द रेस्टोरेंट अनसस्पेक्टेड सक्सेस वुड बी, अगर वो टेबल में अनसस्पेक्टेडली पहुंच गया मतलब बिना किसी के जान के, तो उसकी वो विजेता बन जाएगा, वो सक्सेस पा लेगा। ठीक है, अब इसी का अपन क्या करेंगे, सेम मीनिंग वर्ड अनलेस लगा के बोलेंगे, तो अनलेस ही कुड रीच अ टेबल इन द रेस्टोरेंट सक्सेस वुड बी, अनलेस ही, ये फर्स्ट वाला तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे ना ये सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया है, जब तक वो रेस्टोरेंट में नहीं पहुंचेगा सक्सेस उसकी हो जाएगी, ऐसा लिखा है तो उल्टा है, अनलेस ही कुड नॉट रीच, रुक जाओ फिर भी रीड कर लेते हैं, अनलेस ही कुड नॉट रीच, देखो अनलेस खुद में नेगेटिव है तो उसके साथ नॉट नहीं लग सकता, ठीक है, अनलेस खुद में नेगेटिव है तो उसके साथ नॉट नहीं लगेगा, मैंने बोला ना अनलेस खुद में नेगेटिव वर्ड है तो ये हट जाएगा, अनलेस ही कुड रीच अ टेबल इन द रेस्टोरेंट अनसस्पेक्टेड सक्सेस वुड नॉट बी हीज, ओके अनलेस सक्सेस, फोर्थ वाला भी नहीं है क्योंकि फोर्थ वाले में लोग ने क्वेश्चन में कुड था और यहाँ पे कुड लगाया नहीं है तो कुड निकाल दिए तो डी वाला भी हट गया, सी वाला क्वेश्चन अपना करेक्ट है, सी वाला इधर पे आ जाओ, सी वाला क्वेश्चन करेक्ट क्यों है मैं बताती हूं, मैंने क्या बोली, अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि अगर वो टेबल में अनसस्पेक्टेडली पहुंच गया तो सक्सेस उसकी हो जाएगी, आंसर में अपन क्या बोल रहे हैं, अगर वो अनसस्पेक्टेडली नहीं पहुंचा तो सक्सेस उसको नहीं मिलेगी, वही बोलने की बात वही हुई ना, ठीक है, तो याद रखना अनलेस हमेशा खुद में नेगेटिव है, उसके साथ कभी भी नॉट नहीं लग सकता, तो सी वाला आंसर अपना करेक्ट है, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम अदर वे ऑफ एंटरिंग द लिम्बो मस्ट बी डिवाइज, यहाँ पे लिम्बो का मतलब भी क्या होता है, जेल होता है, ठीक है, आपके चैप्टर में जेल के लिए लोग ने अलग अलग वर्ड का इस्तेमाल किए हैं, क्या करना है, चूज द मॉडल ऑक्सिलरी एडवाइज, एडवाइज इतना सिंपल, बताओ क्या डाउट है, पूछो कैफ कुणाल, सॉरी कुणाल पूछो, बच्चा बच्चा इसका आंसर दे देगा भाई, एडवाइज यानी शुड आना चाहिए अपने सेंटेंस में, यहाँ पे सम अदर वे ऑफ एंटरिंग लिम्बो मस्ट बी डिवाइज ना, क्वेश्चन पॉजिटिव है तो शुड नॉट कट, विल कट, मस्ट कट, बचा शुड इधर, ठीक है, तो पॉजिटिव भी होना चाहिए, सेंटेंस को नेगेटिव थोड़ी बना देंगे, तो डी वाला आंसर अपना करेक्ट है, आगे बढ़ जाते हैं, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट, अपने चैप्टर में ये दो वर्ड है, एक है स्ट्रोल, इसका मीनिंग अपने को लिखना है और आई फेल अपॉन, ये दोनों का मीनिंग लिखना है, चलो बताओ जल्दी, स्ट्रोल का मतलब क्या होता है, सोपी जो है बेंच में से उठा और स्ट्रोल करने लगा, तो स्ट्रोल करने लगा क्या करने लगा भाई, नाचने लगा, कौन बताएगा इसका आंसर, स्ट्रोल मतलब क्या, लिख कर बताओ, यस कैजुअल वॉकिंग, यस वॉकिंग इन लेजरली वे, यस बिल्कुल लिख सकते हो, एमलेस वॉकिंग बिल्कुल, वॉक लेजरली बिल्कुल, वॉक इन अ लेजर वे, यस यस यस, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मैंने आंसर रीड करी हूँ वो सारे बच्चों के आंसर करेक्ट है, एकदम लेजर वे में चलना मतलब पता नहीं किधर चले गए बट चले गए, ठीक है, तो स्ट्रोल करना जहां भी रास्ता मिल रहा है अपन चलते जा रहे हैं, ठीक है, वॉक इन लेजर वे या वॉक लेजरली ऐसा लिखोगे तो भी मार्क्स मिल जाएगा, आई फेल अपॉन इसका मतलब क्या होता है, आंखें निकल के गिर गई, आई फेल अपॉन मतलब क्या, आंखें निकली बाहर और गिर गई गोटियों की तरह, यस आई फेल अपॉन मतलब क्या, अपन बोले ना कि फाइव स्टार होटल के वेटर ने सोपी को क्या किया, आई फेल अपॉन किया उसकी, क्या उसकी पेंट को, यानी नोटिस कर लिया, बिल्कुल क्या कर लिया, नोटिस या देख लिया, सॉ, ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा, नोटिस या सॉ देख लेना, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, डू एज डायरेक्टेड, डैश यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, आर्टिकल लगाना है, यमुना, यमुना के साथ क्या लगेगा, यमुना तो एक रिवर है और हमने आर्टिकल में क्या पढ़े थे, सारी रिवर के साथ क्या लगता है, बताई थी ना मैंने, जितने भी दुनिया में जितने भी रिवर के नाम है उसके सामने तुम क्या लगाते,
द लगाते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो यमुना द आएगा इधर पे, याद रखना। कोई भी माउंटेन का नाम लिखा हुआ है, हिमालय, कुछ भी, कोई भी माउंटेन हो, कोई भी रिवर हो, कोई भी न्यूज़पेपर हो, कोई भी अर्थ का नाम हो, कोई भी ऐसी चीज का नाम हो जो बहुत ह्यूज है, रिस्पेक्ट देने लायक है और बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, और भले ही एक है, तो उसके साथ अपन ए नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, ठीक है। और क्या, द यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी, यस अ ट्रिब्यूटरी, अ आएगा इधर पे। अ क्यों आएगा, क्योंकि ट की आवाज है, ट ट्रिब्यूटरी, ठीक है। द एंड अ, क्या बात, दिस इज द डिजाइन ऑफ लाइफ, दिस इज द सीक्रेट ऑफ एग्जिस्टेंस, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव नॉट ओनली बट ऑल्सो। बताओ ये वाले क्वेश्चन का अपने को क्या करना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो क्या बनाओगे। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है, यस करेक्ट, महजबीन शेख, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चैनल पे अपलोड कर दूंगी अपना एप्रिसिएशन की वीडियो 2 मिनट की। बी आंसर दे रहे हो, ठीक है, चलो रीड कर लेते। दिस इज द ओनली डिजाइन ऑफ लाइफ बट ऑल्सो, नॉट ओनली किधर गया भाई, पेन क्यों नहीं चल रही है। एक मिनट, क्या हो गया यार, एक मिनट, मेरा लैपटॉप हैंग हो गया, लैपटॉप हैंग हो गया है, कुछ चल ही नहीं रहा इधर पे। प्लीज क्या आप लोग मेरे लिए 1 मिनट के लिए इंतजार करोगे प्लीज, ताकि मैं इसको जल्दी से सही कर लूं। पूरा यहाँ पे सब एकदम हैंग हो गया, कुछ क्लिक ही नहीं हो रहा है। पेन भी नहीं चल रही है, क्या हो गया। एक मिनट का बस टाइम दो, हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये बैक टू बैक सेशन ले लेकर मेरा लैपटॉप भी थोड़ा सा हैवी हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग बता रहे मुझे लिखा हुआ, हो गया तो मेंटी है अपना। हो गया क्या, हाँ हो गया हो गया हो गया, चलो। हाँ ऐसे कैसे नहीं होता, ओके ऐसे क्यों बता रहे हैं।
अच्छा ओके ओके ठीक है। थैंक यू इंतजार करने के लिए। इंतजार का अपना फल आ गया फिर से। चलो सेशन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे अपना कहाँ चल रहा था? यस नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो आप लोग बहुत सारे बच्चे अपना क्या आंसर दे रहे थे? आंसर दे रहे थे बी वाला। चलो देखते हैं कि इसका आंसर बी है या नहीं। दिस इज द डिजाइन ऑफ लाइफ, दिस इज द सीक्रेट ऑफ एग्जिस्टेंस। दिस इज नॉट ओनली आना चाहिए, तो इसे द ओनली लिखा है, तो बी ए वाला तो कट है। दिस इज नॉट ओनली द डिजाइन ऑफ लाइफ बट ऑल्सो द सीक्रेट ऑफ एग्जिस्टेंस। हाँ बी वाला करेक्ट लग रहा है, बट सी और डी भी पढ़ लेंगे। दिस इज नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो एक के साथ लगा दिया। नहीं भाई, नॉट ओनली होता है उसके साथ कुछ सेंटेंस होता है, उसके बाद बट ऑल्सो होता है। कभी भी नॉट ओनली बट ऑल्सो एक साथ नहीं होता। ठीक है, नॉट ओनली द डिजाइन ऑफ लाइफ बट ऑल्सो। ओके अच्छा बिल्कुल। इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है अपना बी। तो जो भी बच्चों ने इसका आंसर बी दिए, क्या बात है, फुल फॉर्म में चल रहे हो। हाँ चलो थर्ड क्वेश्चन। हैप्पीनेस कैन नॉट बी बॉट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू गेट द प्रॉपर फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का आया है। यहां पे आपको क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन आपका है मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज हमने टेंसेस का तो पढ़े थे कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसे करना है। मॉडल ऑक्सिलरी में हमेशा याद रखना कैन क्या बन जाता है, कैन बी। शुड क्या बन जाएगा, शुड बी। वैसा तो अपना एक्टिव में देखो क्या रहेगा। क्वेश्चन अपना एक्टिव है, हैप्पीनेस कैन नॉट बी बॉट, यू कैन बॉट दी हैप्पीनेस। ये तो उसका सेंटेंस ही मीनिंग ही चेंज कर रहा है। क्वेश्चन अपना नेगेटिव है, आंसर पॉजिटिव नहीं हो सकता। हैप्पीनेस कैन नॉट बी बॉट, ये बॉट की स्पेलिंग देखो गलत है, तो बी वाला भी कट। यू कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, ओके यू नेवर बाय हैप्पीनेस। तो देखो क्वेश्चन में कैन नॉट है, आंसर में भी कैन नॉट होना चाहिए, नेवर क्यों आएगा? तो अपना करेक्ट आंसर क्या है? सी। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से अपन ने कर दिए, तो करेक्ट आंसर अपना क्या है? सी, यू कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। स्पॉट द एरर, आई रीड एन एसे हु वाज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मान लो एज इट इज आ गया, तो आप क्या करके आओगे, जरा मेरे को भी तो बताओ। अगर ये सेम क्वेश्चन स्पॉट द एरर आपके एग्जाम में आ गया, तो आप क्या आंसर लिख कर आओगे, जरा मैम को भी तो बताओ कमेंट सेक्शन में, जरा मैम देखे करेक्ट आंसर लिखोगे या कुछ गलत गलती कर दोगे। यस बिल्कुल। क्या इसका गड़बड़ है? यहाँ पे अपन हु को हटाना पड़ेगा और विच लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे की बात हो रही है, ऐसे नॉन लिविंग थिंग है, उसके साथ हम हु क्यों लगाएंगे, हु अपन लिविंग थिंग के साथ लगा। तो यस आई रीड एन ऐसे विच वॉज अबाउट द इंपॉर्टेंस, तो हु को हटा के बस विच करना था। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट अनसीन पैसेज स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले जरा हम क्वेश्चन पे नजर मार के आते हैं। द फर्स्ट स्टोरी ऑफ राइटर इज अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स, द राइटर यूज टू स्लीप ऑन फ्लोर। कौन राइटर है भाई? रीड कॉलेज, ओके कैलियोग्राफी, ओके ओके, मतलब रीड करने से पता चलेगा। 5 से 6 मिनट अपन दे गए समझने में पैराग्राफ को। चलो रीड करते आ जाओ। अनसीन पैराग्राफ क्या दिया गया है, रीड करके समझते हैं। एक बार समझ में आ गया तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, समरी राइटिंग भी बना लोगे। चलो शुरू करते हैं समझना। टुडे आई वॉन्ट टू टेल यू 3 स्टोरीज फ्रॉम माई लाइफ। कोई एक इंसान ये चीज लिख रहा है और बोल रहा है मैं आपको अपनी जिंदगी की 3 कहानियां बताना चाहता हूं। ठीक है जी, बताइए, हम रेडी है सुनने के लिए। दैट्स इट, बस इतना ही मैं बताऊंगा और चले जाऊंगा। ठीक है ओके, आगे बताओ। जस्ट 3 स्टोरीज। हाँ हाँ समझ गए समझ गए, 3 स्टोरी। ठीक है ठीक है। द फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। पहली स्टोरी ये इंसान जो अपने को बताने वाले हैं ये किसके बारे में होगी? कनेक्टिंग द डॉट्स। ठीक है, देखते हैं भाई क्या कनेक्टिंग द डॉट्स है ये। आई ड्रॉप आउट ऑफ रीड कॉलेज आफ्टर दिस 7 मंथ्स। मैं 7 महीने कॉलेज में पढ़ाई किया और फिर कॉलेज छोड़ दिया। बट देन स्टेड अराउंड एज अ ड्रॉप इन फॉर अनदर 18 मंथ्स बिफोर आई रियली क्विट, बट देन स्टेड अराउंड एज अ ड्रॉप इन। लेकिन उसके बावजूद, उसके बाद मैंने फिर से 18 महीने के लिए
गया, मतलब कॉलेज गया, और उसके बाद फाइनली फाइनली पढ़ाई करना छोड़ दिया, ठीक है। लुकिंग बैक इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन एवर मेड। और अभी मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि भाई कॉलेज छोड़ना मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। ओ भाई साहब, ये क्या बोल रहा है, बच्चे तो यहाँ पे खुश हो जाएंगे। आई कुड नॉट स्टॉप टेकिंग द रिक्वायर्ड क्लासेस दैट डिडंट इंटरेस्ट मी एंड बिगिन ड्रॉपिंग इन वन ऑफ ऑन द वंस डेट लुक्ड इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं जो पढ़ाई कर रहा था कॉलेज की, वो कॉलेज की स्टडीज में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने जब वो चीज छोड़ा तो मुझे बहुत मजा आया कि भाई अब मेरे को नहीं पढ़ना है, अभी मैं क्या करूंगा, जो चीज में मेरे को इंटरेस्ट है मैं वो चीज पढ़ूंगा और खुद से बैठ के पढ़ूंगा, ठीक है। तो ये इनकी पहली स्टोरी है। I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in the friend's room. मेरे पास कोई खुद का ऐसा बेडरूम वेडरूम कुछ था नहीं, इसलिए मैं अपने दोस्त के घर के जमीन में सोता था। I returned coke bottle for the 5 cent deposit to buy food with, and I would walk 7 miles across town every Sunday night to get one good meal at the Hare Krishna temple. वही बता रहे कि मैं जो है अपना पेट भरने के लिए क्या क्या करता था। मैं कोक बॉटल, जो खाली कोक बॉटल मिलती है ना गिरी पड़ी, उसको दुकान वाले लोग को रिटर्न करता था, उससे मेरे को 5 सेंट मिलता था, उससे मैं अपना खाना खाता था, और इतना चल के मेरे को सब बता रहे वो। आई लव्ड इट, मुझे मेरी मेहनत वो सब काम आई। एंड मच ऑफ व्हाट स्टम्बल इनटू बाय फॉलोइंग माय क्यूरियोसिटी एंड इंट्यूशन टर्न्ड आउट टू बी प्राइसलेस लेटर ऑन। हियर वन एग्जांपल, रीड कॉलेज ऑफर परहैप्स द बेस्ट कैलियोग्राफी इंस्ट्रक्शन इन द कंट्री। क्या बोल रहे हैं, रीड कॉलेज जहाँ पे कैलियोग्राफी मैं सीख रहा था, मतलब कैलियोग्राफी, कैलियोग्राफी पता है ना आपको क्या होती है, एकदम मस्त हैंडराइटिंग में हम डेकोरेटिव स्टाइल में कोई भी अल्फाबेट लिखते हैं। बिकॉज आई हैड ड्रॉप्ड आउट एंड डिडंट हैव टू टेक द नॉर्मल क्लासेस, आई डिसाइडेड टू टेक अ कैलियोग्राफी। तो मैं क्या कर रहा था, कैलियोग्राफी सीख रहा था, क्योंकि मैं रीड कॉलेज में तो मतलब जो भी चीज वो पढ़ रहे थे उससे तो निकल गए, इसलिए वहां का एक न्यू कोर्स था कैलियोग्राफी में, वो कर रहा था। आई लर्न अबाउट सेरिफ एंड सेंस टाइप फेस, वॉट ये अलग अलग टाइप है कैलियोग्राफी के, मैं वो सब सीखा। 10 years लेटर व्हेन वी वर डिजाइनिंग द फर्स्ट मैकिंटोश कंप्यूटर, इट ऑल केम बैक टू मी। तो जब मैं ये कंप्यूटर बनाया, मैकिंटोश, ओह मैक कंप्यूटर की बात हो रही है, ओह आईफोन मैक, तो यहाँ पे जब हमने मैक कंप्यूटर बनाए तो उस वक्त जो मैंने कैलियोग्राफी सीखा था, वो कैलियोग्राफी मुझे ये कंप्यूटर की डिजाइन करने में बहुत हेल्प करी। यानी कि क्या हो गया, इट ऑल केम बैक, यानी कनेक्टिंग द डॉट्स। इसका मतलब क्या होता है पता है, कि हम अपनी लाइफ में जो भी पहले मेहनत किए होते हैं वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में अपने को पे बैक करती है। हम फ्यूचर में कोई भी काम करते हैं ना, तो अपनी पहले की गई मेहनत अपने को क्या करती है, फ्यूचर में आके हेल्प करती है, और हमारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं और अपने को रास्ता मिल जाता है कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है। तो वो यहाँ पे राइटर बता रहे कि 10 साल पहले जो है मैं कैलियोग्राफी सीखा, और आज जो मुझे करना है, कंप्यूटर बनाना है, वो चीज मुझे आज काम आ रही है। तो डिजाइनिंग बहुत हेल्प हुई। एंड वी डिजाइन इट into all Mac. If had never dropped in that course college Mac would never वही बोल रहा है कि अगर मैं कैलीग्राफी नहीं कर रहा होता तो आज मेरा इतना मल्टी फेसेस मैक नहीं बना पाता। एंड सिंस विंडोज जस्ट कॉपीड मैक, और विंडोज ने मैक को कॉपी कर लिया, इट इज लाइकली नो पर्सनल कंप्यूटर वुड हैव देम। ऑफकोर्स इट वॉज इम्पॉसिबल टू कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड वेन आई वॉज इन कॉलेज, बट इज 10 years later. इन्होंने तो बोले थे मैं 3 स्टोरी बताऊंगा। पहली स्टोरी कनेक्टिंग द डॉट्स, क्या बात है यार, आपने बोले 3 स्टोरी बताएगा लेकिन 1 स्टोरी बता के कहानी खत्म। तो समझ में आ गई आपको कि कोई एक इंसान है जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दिया और वो कॉलेज में कैलियोग्राफी करने सीखा, 10 साल बाद खुद का जब वो कंप्यूटर बनाने लगा तो कंप्यूटर में उसको वो कैलियोग्राफी काम आई डिजाइन करने में, तो बोल रहा है कि क्या करना इंपॉर्टेंट है भाई, मेहनत करना इंपॉर्टेंट है, आज नहीं तो कल वो डॉट्स बनेंगे, कनेक्ट हो गए। चलो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स, द फर्स्ट स्टोरी ऑफ राइटर इज अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स, हाँ भाई ये तो आंख बंद करके अपन ट्रू लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइटर यूज टू स्लीप ऑन फ्लोर इन हिज फ्रेंड रूम, बिल्कुल है ना, दोस्त के जमीन में सोता था। द राइटर सेज दैट वी शुड नॉट फॉलो आवर क्यूरियोसिटी एंड इंस्टीट्यूशन, क्यों भाई क्यूरियोसिटी को फॉलो क्यों ना करे, फॉल्स है इसका आंसर। तो कोई इंसान ऐसा क्यों बोलेगा कि अपना पैशन मत फॉलो करो,
कोई नहीं बोल सकता, सब बोलेगे प्रश्न ना, रेड कॉलेज वॉज नॉट द बेस्ट कॉलेज फॉर कैलियोग्राफी। अरे भाई रेड कॉलेज से उन्होंने कैलियोग्राफी सीखी है बेस्ट वाली, तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स है, नॉट बेस्ट नहीं है, द बेस्ट। ठीक है आगे बढ़ते हैं, ए टू। चलो हो गया यस, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स इसका आंसर था। द राइटर सेज दैट लीविंग द रीड कॉलेज आफ्टर 7th month वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन, जस्टिफाई द राइटर पॉइंट ऑफ व्यू। राइटर के हिसाब से रीड कॉलेज छोड़ना उनकी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था, क्यों ऐसा उन्होंने बोले? वाई? क्योंकि इधर पे देखो, इधर पे, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप टेकिंग द रिक्वायर्ड क्लासेस दैट डिंट इंटरेस्ट हिम मी। है ना, आप राइटर बन के थोड़ी लिख रहे हो, तो आप अपने आंसर में मी मी मत डालना, आप थर्ड पर्सन बन के लिख रहे हो ना, तो हिम डालोगे। एंड बींग ड्रॉपिंग इन वन ऑफ द वन ऑन द वंस दैट लुक्स इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो ये दो आंसर अपना लाइन आंसर में जाएगा, दो लाइन जो थी उधर पे। द राइटर यूटिलाइज्ड हिज टाइम आफ्टर ड्रॉपिंग आउट ऑफ रीड कॉलेज। राइटर ने क्या किए, जब अपनी कॉलेज छोड़ दिए, रीड कॉलेज में जो पढ़ रहे थे वो छोड़ दिए, तो उनके पास जो बचा कुचा टाइम बच रहा था कॉलेज का, उसको वो किधर लगा रहे थे? सबको पता है भाई, कैलियोग्राफी कर रहे थे। तो यहाँ पे लिख देंगे, देखो, रीड कॉलेज ऑफर वन ऑफ द बेस्ट कैलियोग्राफी इंस्ट्रक्शन बिकॉज आई ड्रॉप आउट एट नॉर्मल क्लासेस आई डिसाइडेड टू टेक। ठीक है, यहां से लेके 4 लाइन पूरा का पूरा अपना आंसर रहने वाला है। ओके, डिस्क्राइब योर ओन क्रूशियल डिसीजन, गुड और बैड इन योर लाइफ। A4 पर्सनल रिस्पॉन्स आ चुका है। आपने क्या अपने जिंदगी में कभी कोई ऐसा डिसीजन लिए हो जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखा? वो डिसीजन अच्छा डिसीजन लिए तो भी आप लिख दो चलेगा, कोई बुरा डिसीजन लिए तो भी। ठीक है, तो अपने को कहानी लिखनी है हर एक बच्चे का। यहाँ पे ऑफकोर्स अलग अलग आंसर होगा, है ना, कोई बच्चा अपना सेम आंसर थोड़ी लिखेगा। तो आप क्या बोल सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल, मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन था कि मैं बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई जल्दी स्टार्ट किया अप्रैल में, इट वॉज माई बैड डिसीजन, सॉरी गुड डिसीजन। या कोई बैड डिसीजन में कोई बच्चा ऐसा लिख सकता है कि मैं जो है JEE की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, था JEE की प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने सोचा कि मैं बोर्ड की जो प्रिपरेशन है एग्जाम के 1 हफ्ते से पहले स्टार्ट करूंगा और मेरा हो जाएगा क्योंकि बोर्ड तो मेरे लिए चिंदी है, बट ऐसा नहीं हुआ। एंड स्टार्टिंग द प्रिपरेशन बिफोर 1 वीक ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन वॉज द वर्स्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। ऐसा मतलब आप गुड डिसीजन भी अपने लाइफ का बता सकते हो या कोई भी बैड डिसीजन। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन A5। आई वुड वॉक 7 miles अक्रॉस टाउन एवरी संडे नाइट। रिमूव वुड, वुड हटाना है, वुड हटाना है, तो क्या लगाओगे वुड हटाकर? बताओ, जो बच्चों ने मेरा मॉडल ऑक्सिलरी वाला वीडियो देखे उनको पता है कि वुड का रिप्लेसमेंट क्या है। वुड का रिप्लेसमेंट क्या है? यूट्यूब से स्टडी करने का इंग्लिश मैम से बेस्ट डिसीजन। ओहो क्या बात है। यस, हमेशा याद रखना वुड का रिप्लेसमेंट क्या है। वुड का रिप्लेसमेंट है यूज टू। ठीक है, तो देखो वुड हट रहा है तो वुड के जगह यूज टू आएगा। कुड क्यों, वुल? नहीं। ठीक है, तो इसका यूज टू आंसर रहेगा क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं करना है, ए आंसर रहने वाला है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई डिसाइडेड टू टेक अ कैलियोग्राफी क्लास, कन्वर्ट इनटू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये वाले सेंटेंस को आपको क्या करना है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाना है। चारों में से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? यस, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, फॉर्मूला क्या है फ्यूचर परफेक्ट का? कि विल होता है और हैव लगा होता है, वर्ब अपनी थर्ड फॉर्म में होता है, यही फॉर्मूला है ना। तो देखो विल, इसमें तो विल है ही नहीं, तो फर्स्ट वाला कट हो गया, सेकंड वाला कट हो गया, थर्ड
थर्ड वाला हेड है कट हो गया, फोर्थ वाले में विल नजर आ रहा है, हैव भी नजर आ रहा है और वर्ब अपनी थर्ड फॉर्म में भी बैठा हुआ है। तो क्या मेरा फॉर्मूले से मैच नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला सही माना जाएगा। याद रखना 12 अलग अलग टेंसेस के सबके खुद के अलग अलग फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला याद करना है और अपने को आंसर मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं 86 क्वेश्चन। राइट एंड फाइंड एंड राइट द वर्ड विच हैव सिमिलर मीनिंग फॉर द फॉलोइंग। ओके, तो लोग ने कितना बड़ा सेंटेंस लिखे है, अपने को इसका एक वर्ड पैराग्राफ से ढूंढना है। इजी है यार, बच्चा बच्चा इसका आंसर दे देगा। द आर्ट ऑफ और प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग लेटर्स एंड वर्ड इन अ डेकोरेटिव स्टाइल, कैलीग्राफी। इसका आंसर तो ऑफकोर्स कैलीग्राफी रहेगा। टू मेक अ कनेक्शन इन वन माइंड अराइविंग एट अ एट अ मोर होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिचुएशन, कनेक्टिंग डॉट्स, सेकेंड वाले का। ठीक है, तो इसलिए अनसीन पैसेज को आप थोड़ा ना क्या करो, टाइम दो उसको रीड करके समझो। भले ही आपको 5-6 मिनट लग रहे हैं, समझो और उसके बाद चीजें अटेम्प्ट करो, वरना आपको एक एक क्वेश्चन के लिए बार बार पैराग्राफ रीड करना पड़ेगा, बार बार पैराग्राफ रीड करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा एक ही बार रीड करो बट अच्छे से करो, ठीक है। समरी राइटिंग बताओ, समरी राइटिंग आप लिखोगे तो हमेशा टाइटल से स्टार्ट करना है, वरना आपको एक मार्क्स कट हो जाएगा। तो हमने पैराग्राफ को अच्छे से समझ लिया, बताओ अब इस पैराग्राफ को क्या टाइटल दोगे? व्हाट टाइटल वुड यू लाइक टू गिव टू दिस थीम ऑफ दिस पैराग्राफ? कनेक्टिंग द डॉट्स, अच्छा। और यस, सेशन को लाइक कर दीजिए, 1300 बच्चे सेशन को देख रहे हैं बट सिर्फ 600 लाइक, यानी आधे से ज्यादा बच्चों ने लाइक ही नहीं करे, मतलब उनको ये वीडियो पसंद नहीं आ रही, मैं ऐसा समझूं। मतलब आप लाइक करोगे तो ही तो मुझे समझ में आएगा कि आपको ये चीज काम आ रही है ना। काइंडली रिक्वेस्टिंग कि प्लीज अपना जो है अनुजा का डायलॉग है, अनुजा का डायलॉग है कि भाई अपनी प्रॉब्लम का गला समझ के लाइक बटन को दबा दो यार, अपनी प्रॉब्लम का गला समझ के इस चैनल के लाइक बटन को दबा दो, है ना अनुजा, यही डायलॉग है तुम्हारा। इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग कॉलेज, अरे भाई साहब नहीं, ये ओवर हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग कॉलेज। मतलब क्या हर बच्चा कॉलेज छोड़ के थोड़ी ना मास्टर बन जाता है, मतलब कोई बच्चे को जब एकदम क्लियर हो चुका है, कोई बच्चे को ना एकदम क्लियर हो चुका है कि भाई मैं जो स्टडी कर रहा हूँ मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मेरा कोई दूसरी चीज में इंटरेस्ट है, तब इंसान जो है छोड़ता है कॉलेज। ठीक है, जब आप कोई चीज में आपका इंटरेस्ट है, आप वही चीज की पढ़ाई कर रहे हो, वही चीज आपको आगे सक्सेसफुल बनाएंगे, तो छोड़ के मतलब नहीं है। लाइफ इज शॉर्टली डॉट्स, ओके, चेज योर पैशन, बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ, फॉलो योर पैशन, यस, अवॉइड स्टेप्स टुवर्ड्स सक्सेस, क्या बात है, यस, बिल्कुल। स्टीव जॉब्स, क्या बात है यार, मतलब बच्चे पहचान गए, यस, अब सबको पता है यार मैक के ओनर कौन है, किसने बनाया है मैक को, आईफोन ना, स्टीव जॉब्स, बिल्कुल ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पोइट्री सेक्शन अपने, नहीं पोइट्री नहीं, माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग क्या आया है? डेवलप्ड अ माइंड मैपिंग ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग, पढ़ने के इंपॉर्टेंस, रीडिंग के इंपॉर्टेंस के ऊपर अपने को माइंड मैपिंग बनाना है। चलो बनाते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग,
पहले हेडलाइन डाल देंगे और चुपचाप से शांति में बैठ जाएंगे, ठीक है? आपके आंसर शीट के एंडिंग में रफली बना लेना कि मैं मेन ब्रांच में क्या लिखने वाला हूँ। मेरी चार मेन ब्रांच होने वाली है और वो चार मेन ब्रांच से निकले तीन सब ब्रांच मेरे होने चाहिए, ठीक है? ये मेरे मेन ब्रांच है। क्या बोलोगे? नॉलेज, नॉलेज अगर आप इधर पर डालते हो तो उसके सब ब्रांच में क्या डालोगे? पहले तो अपन लिख देंगे लैंग्वेज, क्योंकि आप कौन सी लैंग्वेज में रीड कर रहे हो उसका इम्पोर्टेंस है। आप अलग अलग टाइप की रीडिंग कर सकते हो, जैसे कि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है। और क्या स्ट्रांग होता है? ग्रामर, लैंग्वेज में। और क्या स्ट्रांग होता है? आपका फ्लुएंसी बढ़ जाती है, ठीक है? तो लैंग्वेज आप अपने मन से जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो, ठीक है? मैंने यहाँ पे तीन वर्ड डाली हूँ। नॉलेज ऑफ कोर्स, बिल्कुल। नॉलेज मिलता है, नॉलेज क्या क्या चीज का? अगर साइंस की बुक रीड कर रहे हैं तो अपने को पता है नॉलेज, जैसे समझो साइंस की बुक रीड कर रहे हैं तो आपको साइंटिफिक नॉलेज मिलेगी। आर्ट की रीड कर रहे हो तो आर्ट एंड कल्चर नॉलेज आपको मिल रहा है। ज्योग्राफी की बुक रीड कर रहे हो तो किसकी बुक नॉलेज मिल रही है? ज्योग्राफी की। नॉलेज हो गया, लैंग्वेज हो गया, और इंपॉर्टेंस देखो। टाइटल क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग। इंपॉर्टेंस मतलब रीड करने का क्या काम है, उससे क्या फायदा मिलता है, उसकी क्या जरूरत है। हाँ, हिस्टोरिकल, टेक्नोलॉजिकल, बिजनेस, लर्निंग, जो डालने हैं डाल दो। यस, रिलीजियस, बिल्कुल। रिलीजियस नॉलेज भी आप इधर पे डाल सकते हो, रिलीजियस नॉलेज। न्यू आइडियाज, समझो मैंने इधर पे डाली न्यू आइडियाज। और फिर आप यहाँ पे क्या कर दो, जैसे लिख दो न्यू आइडियाज में, आप अगर बिजनेस की कोई बुक रीड कर रहे हो, न्यू आइडियाज रिलेटेड टू बिजनेस, आप किसी की बायोग्राफी पढ़ रहे हो, उसमें आपको पता चला कि भाई इसने अपनी लाइफ में ये सब किया तो इसको सक्सेस मिली, तो ऐसा करने से सक्सेस के चांस ज्यादा है। तो न्यू आइडियाज बाय रीडिंग बायोग्राफीज। एंटरप्रेन्योरशिप या जो भी आपको लिखना है, कम्युनिकेशन, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है? अब देखो मैंने क्या बोली थी आपको, एक आइडिया मैंने दी थी, अगर आपको याद होगा तो। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक आइडिया दी थी। कभी कभी क्या होता है कि अपने को मेन ब्रांच जो अपने लिखे उससे ही रिलेटेड सब ब्रांच बनाने पड़ते, तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कुछ कुछ टॉपिक में कि अपने को ऐसा लगता है कि अरे यार ये तीन मेन ब्रांच तो मैंने बना दिया हूं, अब चौथा मेन ब्रांच में क्या बनाऊं, फिर उसका सब ब्रांच बनाना पड़ेगा, तो समझ में नहीं आता है ना। तो आप क्या कर देने का, आप क्या करने का, फोर्थ वाला जो ब्रांच होगा ना उसमें अदर्स लिख देने का, ठीक है? अदर्स लिख देने का, और उसके बाद आपके अंदर जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रही है ना वो सब इधर पे भर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर मेन ब्रांच का नाम लिख के, वही पर्टिकुलर, जैसे लैंग्वेज है तो लैंग्वेज के अंदर आप कुछ बिजनेस नहीं लिख सकते क्योंकि लैंग्वेज इज नॉट ए बिजनेस। तो लैंग्वेज में आप वोकेबलरी, ग्रामर, फ्लुएंसी ही सब ब्रांच बना सकते हो, बट आपने अगर अदर्स लिख दिए तो अदर्स में आप कोई बाउंडेशन में नहीं फंस गए, ठीक है? तो आप क्या कर दोगे, अदर्स लिख देने का, और फिर आपको जो भी लिखना है, अब यहाँ पे लिख दो रिलीजियस नॉलेज मिलती है, फिर आप यहाँ पे डाल दो अदर मेन ब्रांच, ऐसा लिख दो, ठीक है? एंटरटेनमेंट, यस, एंटरटेनमेंट लिख दिए, और इंक्रीज इंफॉर्मेशन, पर्सनल डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी, क्या बात है, ठीक है? तो ऐसा अदर्स लिख के अपने को क्या कर देने का, लिख देने।
तो आप फंस गए। ऐसा एक बार आपका हो गया, बन गया माइंड मैपिंग, क्या बात है। एक बार बन गया, फिर ऊपर से इसको आप क्या कर दोगे, फटाफट से जो भी छोटे मोटे इमोजी आपको डालना है डाल दो, ठीक है। नहीं डालना है तो मत डालो, बट मैं आपको बस बता रही हूँ यहाँ पे आइडिया के लिए। आप ऐसा बत्ती बना दो, वो होता है ना आइडिया वाला बत्ती, बन भी नहीं रहा है वो वोकैबुलरी, साइंस नॉलेज, ठीक है। नहीं बन रहा है तो जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नीट एंड क्लीन बनाना, ओके। माइंड मैपिंग की कहानी खत्म, अभी हम बढ़ते हैं आगे। यस, माइंड शार्प शार्प होता है, अपनी पढ़ने की पावर बढ़ जाती है, जो लिखना है लिख सकते हो, बट टू रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। और ज्यादा मत भर देना, मैंने जितना बनाई हूँ इतना ही काफी है 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट A3 पोयम आ चुकी है, बताइए कौन सी पोयम है। 1 2 3 4, यस। इमोजी अपना गार्निशिंग है, मतलब एग्जामिनर देख के जिसका दिल खुश हो जाएगा कि आपने इतने दिमाग लगाए हो, इतनी क्रिएटिविटी लगाए हो अपना पेपर लिखने में, तो आपको आंसर क्रिएटिव तरीके से क्यों नहीं देगा, बताओ। आंसर क्रिएटिव, मार्क्स आपको क्रिएटिव चाहिए तो आंसर भी क्रिएटिव बनाना पड़ेगा। Have you earned your tomorrow? Yes, poem number 4 अपने को इधर पे पूछी गई है। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। Find out expressions और phrases which denote going away from each stanza. कितने स्टेंजा है? 4 स्टेंजा है ना? अपने को पैराग्राफ में कितने स्टेंजा दिया है? 4, 1 2, ये रहा तीसरा और ये चौथा। तो ये चारों पैराग्राफ में से एक एक वर्ड ऐसे ढूंढ के निकालने हैं जिसका मतलब क्या है, जाना, गोइंग अवे, गोइंग अवे। तो चलो फर्स्ट पैराग्राफ में ऐसा कोई वर्ड है जिसका मतलब है गोइंग अवे? हाँ, इधर पे दिख रहा है, पास्ट हिज वे। पास्ट हिज वे, तो ये एक अपना हो गया फर्स्ट पैराग्राफ का। दूसरा पैराग्राफ में कोई वर्ड आपको दिख रहा है जिसका मतलब हो सकता है गोइंग अवे? सेकेंड पैराग्राफ, यस, पास्ट मतलब जाना। वैनिश इन द थ्रॉन्ग, ओके। फ्रस्ट भी लिख सकते हो, यस। तो वैनिश इन द थ्रॉन्ग लिखोगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि वैनिश इन द थ्रॉन्ग मतलब गायब हो जाना। रश्ड अलोंग द वे, ये तो हमसे कोई भी लिखोगे चल जाएगा, मार्क्स मिल जाएगा, तो सेकंड पैराग्राफ का भी मिल गया। थर्ड पैराग्राफ में कोई है, क्योंकि चारों पैराग्राफ में से अपने को ढूंढ के निकालने के लिए बोला है, तो 2 का हो गया। तीसरा, ब्रदर ऑफ मनी डेट यू पास्ड। थर्ड पैराग्राफ, अलोंग द वे, अलोंग द वे का तो मतलब होता है आना, आना, और अपने क्वेश्चन में बोल रहा है गोइंग अवे, गोइंग अवे मतलब जाना। केम अलोंग, कम बोलते ना, कम इन, कम इन, आओ, तो केम अलोंग कैसे आंसर हो सकता है? अनुजा, समझ में आया? केम अलोंग आंसर नहीं हो सकता ना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है गोइंग अवे से रिलेटेड वर्ड लिखो, गोइंग अवे और गो, कम तो अपोजिट हो गया, गोइंग अवे, समझ में आई बात? स्लीपिंग फास्ट इसका आप लिख सकते हो, या पास्ट लिखोगे तो भी मार्क्स मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं फोर्थ वाला। डिड यू वेस्ट टाइम और लूज इट्स ऑल स्पेंट डिसकंटेंट एज यू नो समबडी नॉट टॉक टुडे। स्पेंट इसका स्पेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को मिल गए आंसर चारों पैराग्राफ के, सारे वर्ड जो मैंने बॉक्स के अंदर डाली हूँ ये आपको लिखने थे किधर पे, A1 के आंसर में, ठीक है। तो कभी कभी देखो पोयम भी टफ आती है, ऐसा नहीं कि पोयम है तो आसान आएगी। A2, वॉज इट वेल और शॉर्टली स्पेंट, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड गिव इल्यूस्ट्रेशन। आपके सामने एक पोयम की लाइन है कि वॉज इट वेल और शॉर्टली स्पेंट, इसको एक्सप्लेन करना है, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस लाइन। तो जो बच्चे ने पोयम समझा है वो कर ले। इट इधर पे कौन है? वॉज इट वेल और सोरली स्पेंट, इट इधर पे दिन की बात हो रही है, ठीक है।
तो राइटर क्या बोल रहे थे कि आपका दिन वेल वेल यानी अच्छा कब गुजरेगा, जब आप सामने वाले की हेल्प करोगे, उसको हैप्पी करोगे, ठीक है, उसका दिल दिल खुश करोगे, उसका दिल में जॉय लाओगे। तो अगर आपने ऐसा अपने दिन में किए हो, इट मीन्स यू हैव स्पेंट योर डे वेल। अगर आपने ऐसा नहीं किए हो, मतलब आपने सामने वाले को अनहैप्पी किए, कोई भी इंसान को आज आपने दुख पहुंचाए, आपने कोई इंसान ने आपसे आज आके मदद मांगो और आपने उसकी मदद नहीं किए, तो और उसके दिल में आपने स्कार चीर चीर दिए, उसका दिल में चोट लाए, अगर आपने ऐसा कुछ किए है, इट मीन्स योर डे वॉज स्पेंट सोरली। तो आपको ऐसा समझा कर आना है, ठीक है। दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन जो कि मैंने आपको वन शॉट में भी दे चुकी हूँ। दैट इज वाई अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोयम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू गेट फुल मार्क्स। ओके, ये सारी चीज आपको लिखनी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट A3, डिस्क्राइब द वेरियस वे यू यूज टू ग्रीट योर एल्डर्स। A3 पोयम सेक्शन में पर्सनल रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, पोयम सेक्शन में A3 वाला क्वेश्चन पर्सनल रिस्पॉन्स होता है, और प्रोज में A4 वाला पर्सनल रिस्पॉन्स होता है। तो आ जाओ, पर्सनल रिस्पॉन्स क्या बोल रहे, सिंपल सा यार, कि आप अपने एल्डर्स को क्या बोल के ग्रीट करते हो, नमस्ते बोलते हो गे, है ना, एल्डर्स को, सब बच्चे अपने अलग अलग लिखेंगे, या कितने जो हो गए वो गुड मॉर्निंग तो अपन बोलते नहीं है जैसे ज्यादातर, तो वो तो बहुत ज्यादा ही फॉर्मेलिटी हो जाती है ना। अब मुस्लिम है तो अस्सलाम वालेकुम लिखेंगे, ठीक है, और आप क्या तरीके से ग्रीट करते हो वो अपने को इधर पे लिखना है, जो भी, ठीक है, रिस्पेक्ट के साथ। वेरियस वेज, ये तो अपन ने बहुत ज्यादा वर्ड लिखे। अब उसके अलावा आप तरीका भी लिख सकते हो कि मैं जो है पैर भी छूता हूं, ठीक है, आई टच द फीट ऑफ एल्डर्स, ऐसा लिख सकते हो, या आप शेक हैंड भी कर सकते हो, ठीक है, जो भी लिखना है आप लिखो, केम छो, नमस्कार, जो लिखना है, पर्सनल रिस्पॉन्स है, इट इज योर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं A4, फाइंड आउट एंड राइट द राइमिंग पेयर्स फ्रॉम द, अच्छा रुक जावा कुछ, फाइंड आउट एंड राइट राइमिंग पेयर्स लिखना है किसका भाई, लास्ट टू पैराग्राफ का, ओके, एंड राइमिंग स्कीम ऑफ फर्स्ट टू पैराग्राफ। गौर से सुनो, चार पैराग्राफ है ना, तो लास्ट के दो पैराग्राफ के राइमिंग पेयर्स यानी राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, और स्टार्टिंग के दो पैराग्राफ के राइमिंग स्कीम। भाई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दिया है भाई, तो चलो लास्ट के दो पैराग्राफ का अपने को लिखना था राइमिंग पेयर, बहुत बच्चा है, हो जाएगा, फास्ट पास सैड अहेड। राइमिंग पेयर कैसे लिखते पता है ना, डैश डाल के लिखना होता है, ऐसा फास्ट डैश पास्ट, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, राइमिंग पेयर हो गया। कॉमा मत डाल देना बीच में इन दोनों के, जो भी एक दूसरे के राइम हो रहे दोनों के बीच में एक छोटा सा बस डैश डालना है। दूसरा क्या है, सैड अहेड, कॉमा डालेंगे, सैड अहेड एक दूसरे के क्या है, राइमिंग है। स्पेंड डिसकंटेंट, से टुडे, तो ये अपना क्या हो गया, राइमिंग पेयर्स हो गया। राइमिंग पेयर्स को लिखने का तरीका समझ में आ गया होगा। अब राइमिंग स्कीम लिखना है स्टार्टिंग के दो पैराग्राफ की, तो पहला पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ का राइमिंग स्कीम कौन बताएगा, चलो बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। यस करेक्ट मुस्कान, क्या बात है, मुस्कान बहुत खतरनाक हो गई है, अरे भाई सारे लाइव लेक्चर में और प्रैक्टिस सेशन में रह के स्पीड देख रहे हो, क्या बात है मुस्कान, रियली प्राउड ऑफ यू। एंड यश का आंसर आ रहा है A A B B, यस, तो राइमिंग स्कीम और राइमिंग पेयर में कंफ्यूज मत होना। वे टुडे, मैच है तो इन दोनों के आगे A A लगा देंगे, थ्रू यू मैच है तो उनके आगे B B, यानी टोटल अपने को एट द एंड फाइनल क्या मिला, राइमिंग स्कीम स्मॉल में लिखना, कैपिटल में मत लिख देना, स्मॉल में लिखना A A B B, अलोंग थ्रॉन्ग वे टूडे, इसका भी A A B B, ठीक है, दोनों का A A B B ही है अपना
स्टेटमेंट आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, फर्स्ट स्टैंजा का ए ए बी बी है और सेकंड वाले का सी सी डी डी. मतलब एक्चुअल में अपने को बस क्या शो करना होता है राइमिंग स्कीम से कि ये जो दो सेम वर्ड है ना, इसका मतलब ये कि स्टार्टिंग के दो लाइन के वर्ड्स राइमिंग हुए. मतलब मैं ना आपके सामने बस ऐसा राइमिंग स्कीम लिखूं कि ना मैंने एक पोयम लिखी हूं और उसका राइमिंग स्कीम क्या है पता है, ए ए बी बी सी सी. तो आप बोलो क्या इससे आप क्या पहचानोगे, इससे आप ये पहचानोगे कि मैंने एक दो तीन चार पाँच छः छः लाइन की पोयम लिखी हूँ. ठीक है, इतना आप पहचानोगे. और क्या पहचानोगे, उसमें से स्टार्टिंग की दो लाइन के वर्ड्स एक दूसरे से राइम है, तीसरा चौथा एक दूसरे से राइम है और फोर्थ फिफ्थ और सिक्स एक दूसरे से राइम. समझ में आया राइमिंग स्कीम का क्या काम होता है बताना, कि भाई ये पैराग्राफ में कितनी लाइन है और कौन सी लाइन एक दूसरे से राइम हो रही है. तो यहाँ पे आपका बस मेन मोटिव क्या होता है, वर्ड सेम लगाना. तो यहाँ पे आप कुछ जेड जेड भी लगा दोगे तो भी मार्क्स मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोज 4 to 6 लाइन पोयम ऑन गुड डीड्स. अच्छे कर्म पे, अच्छे कर्म के ऊपर आपको 4 लाइन की कविता बनानी है. ऐसा मान लो सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आके टपक गया तो आप क्या करोगे, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या 4 लाइन लिख कर आओगे गुड डीड्स के ऊपर, कि आपकी पोयम पढ़ने के बाद एग्जामिनर को लगे कि आपने अच्छे कर्म करने के ऊपर कुछ लिखे. हो गया बस अभी अपना राइटिंग स्किल ऑफ ए नॉवेल. जल्दी बनाओ गुड डेट्स के ऊपर 4 लाइन पोयम. कौन बनाएगा, 4 लाइन की पोयम बनानी है. माउथ कैन लाई आईज कैन नॉट, पीपल में फॉरगेट, कर्मा विल नॉट. ओ हो भाई साहब. My good deed is the result of my teaching and of course because of my elder brother, because of my... Those good deeds can be done by all, by young or old, by short or tall. A smile may be the very thing that makes a shriven heart. Okay. यहाँ पे देखो, गुड डीड्स आर सीड्स, एक सीड की तरह है डेट ग्रो एंड स्प्रेड देयर नीड्स, ब्रिंगिंग फोर्थ जॉय and good leads to those who follow their goodly deeds. मतलब वही है कि अच्छे कर्म एक बीज की तरह होते हैं जो कि बढ़ते ही रहते हैं, बढ़ते ही रहते हैं और कभी ना कभी जो इंसान अच्छे कर्म कर रहा है वो अच्छे कर्म उस को पे बैक करते हैं एट दी एंड. कभी ना कभी लोग भी उसके साथ इतना अच्छा करते हैं कि भाई उसका बहुत भलाई हो जाती है. ठीक है, तो ऐसे करके आपको क्या करना है, बस देखो मैं आपको ना बताती हूँ कि सॉल्व करना कैसे है, मतलब थोड़ा दिमाग कैसे लगाना है. आपके एग्जाम में कोई भी टॉपिक आ जाती है कि भाई देख इसके ऊपर कंपोज द पोएम बना, तो आपको क्या करना है, पहले सोचना है गुड डीड्स. ठीक है, कोशिश हमेशा ये करना कि आप राइमिंग वाली पोयम बनाओ. ठीक है, कोशिश हमेशा यही करना कि राइमिंग वाली मैं पोयम बनाऊं. ठीक है, तो ऐसा सोचना
चार से पांच वर्ड बनाना नहीं, सिर्फ सोचना और उसको रफ में लिखना कि गुड डीड से रिलेटेड में ऐसे चार से चार लाइन की पोइम बनाई ना, चार वर्ड्स अलग अलग सोचूंगा, तो डीड से रिलेटेड कुछ मैचिंग वर्ड है क्या, डीड सीड वगैरह, डीड सीड नीड, ठीक है, या तो फिर कुछ दूसरे वर्ड आपके दिमाग में आ रहे हैं, हेल्प डीड में अपन क्या मदद, अच्छे कर्म में क्या होता है हेल्प अदर्स, ऐसा मतलब चार वर्ड बस दिमाग में लाओ जो गुड डीड्स के वर्ड रजिस्टर है। मेरा मैराथन आपने देखे, मैराथन में मैंने वर्ड रजिस्टर नाम के ग्रामर आपको पढ़ाई, उसमें मैंने क्या बोली कि आपको क्या करना है, कोई भी वर्ड का रजिस्टर बनाना है। तो ऐसे ही आपके एग्जाम में कोई भी कंपोज द पोएम आ रहा है तो ऐसा सोचना भाई गुड डीड्स का वर्ड रजिस्टर क्या है, गुड डीड्स सोच के मेरे दिमाग में क्या क्या आ रहा है, वो सारे वर्ड्स की लिस्ट बनाओ चार से पांच वर्ड की, और फिर वो एक एक वर्ड को एक एक लाइन में डाल दो, ठीक है, वो सारे एक एक वर्ड आपके एक एक लाइन में डालो और उसके आगे कोई भी एक सेंटेंस लिख दो, ठीक है, तो आपका कंपोज द पोएम हो गया। जैसे सीड, तो सीड का आप लिख दो गुड डीड्स आर सीड, फिर आपने नीड चूज किए थे, दे हेल्प अस दी टू फुलफिल द नीड्स, ठीक है, ऐसा। मैं ना आपको कंपोज द पोएम के लिए भी लाइव सेशन लाऊंगी, तब उसमें मैं आपको बहुत सारी पोएम करवाऊंगी और आपके एग्जाम में जो कंपोज द पोएम आएगा आपके टॉपिक से रिलेटेड ही आएगा, यानी पोएम से रिलेटेड ही आएगा। अगर हम आपकी आटो पोएम के फिगर ऑफ स्पीच सॉरी पोएम याद कर ले, आटो पोएम के अलग अलग थीम है, तो अलग अलग थीम के ऊपर आठ पोएम अगर पहले से तैयार कर ले तो अपना हो जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एप्रिसिएशन कौन सी टॉपिक पर आया है अपना, अ फूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, पोएम नंबर वन के ऊपर अपने को एप्रिसिएशन बोला है, कर लेंगे, आसान है बहुत। चलो राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स स्टार्ट हो चुका है, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, क्या बोला गया इधर पे अपने को, इमेजिन डेट यू आर अरुण अरुणा, अगर लड़की हो तो अरुण बन जाना, लड़की हो तो अरुणा बन जाना, कौन से क्लास के, 12th स्टैंडर्ड के, यू आर गोइंग टू अटेंड अ नेशनल सेमिनार ऑन हाउ टू इम्प्रूव बेसिक स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ड्राफ्ट अ मैसेज इन अबाउट 50 वर्ड कम। अच्छा, तो ये कुछ अलग हट के ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज आया है, जहां पे कुछ डायलॉग वायलॉग वगैरह कुछ है नहीं, स्पीच राइटिंग की तरह, तो ऐसा ड्राफ्टिंग वर्चुअल आने की संभावना बहुत बहुत कम है, तो मुझे लगता है ये वाले सैंपल पेपर का ये वाला क्वेश्चन स्किप करना चाहिए, क्योंकि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इसको करके मतलब नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे पैटर्न में नहीं आएगा, आगे बढ़ जाते, कभी कभी सैंपल पेपर होते हैं कुछ गड़बड़। इंटरव्यू, फ्रेम अ सेट ऑफ 8 to 10 क्वेश्चन टू कंडक्ट एन इंटरव्यू ऑफ आइडियल सरपंच हु रिसेंटली रिसीव द आइडियल सरपंच अवार्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। सरपंच का आपको क्या करना है, इंटरव्यू लेना है, सरपंच मतलब भाई गांव की बातें होगाएगी, सरपंच मतलब क्या भाई, गांव की बातें अपने को इधर पे देखने को मिलेगी। इंसान कोई भी हो, क्वेश्चन तो अपन वही पूछेंगे, है ना, वही वाले, व्हाट आर योर फीलिंग, हु योर आइडल, हु सपोर्टेड यू, व्हाट आर द हार्ड वर्क, व्हाट आर वही सब, व्हाट आर द बेस्ट अचीवमेंट, हु इज योर रोल मॉडल, व्हाट आर योर अपकमिंग गोल्स, ठीक है, ये सारी चीजें लिखेंगे। टेबल वाला क्वेश्चन है तो इंटरव्यू कंक्लूजन डालने की जरूरत नहीं है, ओके, नेम ऑफ द इंटरव्यूअर सॉरी इंटरव्यूई जरूरी नहीं है। अगर आपको कोई सरपंच के नाम नहीं याद है तो अपने मन से कोई भी नाम इधर पर डाल देना, अपने मन से कोई भी इधर पे नाम डाल देना, ठीक है। स्पीच राइटिंग कौन से टॉपिक पे आया है, यू आर एन आर्किटेक्ट ऑफ योर लाइफ, आप अपने जिंदगी के आर्किटेक्ट हो, आप अपनी जिंदगी जैसा बनाना चाहते हो बना सकते हो। अरे भाई ये तो पोयम नंबर वन के थीम के ऊपर आया है, जो पोयम नंबर, जो इंसान को, जो बच्चे को इधर पे पोयम नंबर वन आती है वो पूरा एक्सप्लेन कर देना स्पीच राइटिंग में, है ना, और पोएट का रेफरेंस भी दे देना कि द पोएट वॉल्ट विटमैन ऑल्सो सेज दैट, और फिर पूरी पोयम को आप क्या कर सकते हो, ये पूरे स्पीच में समझा सकते हो आराम से, क्योंकि पोयम नंबर वन आपकी यही समझाती है कि यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर लाइफ, वी मस्ट नॉट डिपेंड अदर्स टू फुलफिल आर हैप्पीनेस, वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू हैव आर हेल्दी लाइफ, वी हैव द फ्रीडम, वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ बाउंडेशन, लाइफ कोई बाउंडेशन क्रिएट नहीं करती, तो सब समझाने देने का। और इंटरव्यू सॉरी इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन से उसको क्या कर देने का, पैक कर देने का।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, रिव्यू राइटिंग। रिव्यू राइटिंग क्या है अपना भाई? 6 क्वेश्चन पेपर अपन ने सॉल्व कर लिए हैं और यहाँ पे अपने सामने 7वें पेपर में फाइनली 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 बुक रिव्यू के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। बुक रिव्यू के ऊपर अपना क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है? तो चांसेस है कि आपके एग्जाम में फिल्म रिव्यू के अलावा बुल फिल्म रिव्यू के अलावा बुक रिव्यू भी आ सकता है। अरे यार, बुक आ गई। तो फाइनली बुक रिव्यू पधारे हैं 7th पेपर में, ठीक है? तो प्लीज कोई एक बुक के ऊपर भी याद कर लेना, जो भी आपको, मतलब कोई भी बुक, विंग्स ऑफ फायर, किसी की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, नॉवेल हो, कोई भी बुक हो याद कर लो, या तो फिर टू सर विथ लव, ठीक है, वो भी एक बुक है अगर देखा जाए तो, नॉवेल है, बहुत बड़ी है ना, लेकिन या तो फिक्शन बुक, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, नॉवेल सेक्शन को स्टार्ट करते हैं, नॉवेल। चलो क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी सॉल्व करके बताओ, अपील कर लूंगा, ठीक है? अपील कर लो जी, रिच डैड पुअर डैड, यस बिल्कुल कर सकते हो, घर से एक मस्त याद करके जाओ और उसके ऊपर लिख दो, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, बिल्कुल। फटाफट सॉल्व कर लेंगे, अभी तो अपने लिए बाएं हाथ का खेल हो चुका है। देखो यार, फिर आ गए ये अंकल अपने। मुरासाकी शिकिबू, नोवेला, न्यू डॉन, काहुति, सरवंती, राजमोहन वाइफ, बमकिन। आगे बढ़ते हैं, जल्दी बताओ इसके, फाइंड द ऑड मैन आउट, क्या करके आओगे? बिल्कुल सही, सी डी ए बी। फाइंड द ऑड मैन देख लो यार, ऐसी सेम पैटर्न में क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, रूबरू हो जाओ, प्रैक्टिस करो। आज अपना 7th पेपर आ चुका है, कल 8वां पेपर है, 8वां पेपर आपको खुद सॉल्व करना है, 6 बजे टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी। गौर से सुनो इधर पे, मैं आपको, रुक जाओ, बहुत सारे इधर पे न्यू बच्चे हो सकते हैं, तो गौर से सुनो हमारा क्या प्लान है। 1 मिनट, 1 मिनट, शांति शांति शांति। अभी हम क्या करते हैं, कल से हम क्या करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, जो बच्चे को नहीं पता है। हमने आपके 7 पेपर सॉल्व कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? 7 पेपर मैंने आपको अब तक सॉल्व करा दी हूँ। 7ों पेपर क्या थे, अलग अलग थे, 80 मार्क्स के थे। अभी 8th, 9th और 10th पेपर जो अपना होगा, ठीक है, ये अपना कब होगा, 8वां पेपर कल होगा, यानी 17 फेब को होगा 8वां पेपर। 9th पेपर कब होगा, 18 फेब को होगा, और 10th कब होगा, 19 फेब को होगा, ठीक है? तो मैं क्या करूंगी, कल जब लाइव आऊंगी, तो उससे, 9 बजे मैं लाइव आती हूँ ना रात के, तो उससे 3 घंटा पहले, यानी शाम के 6 बजे आप लोगों को क्या कर दूंगी, आप लोगों को क्वेश्चन पेपर सेंड कर दूंगी। बट प्रॉब्लम इधर पे एक आएगी, पता है हमने प्लान बनाए थे ना कि मैं आपको 6 बजे भेज दूंगी और फिर जो भी बच्चा 9 बजे सबमिट करेगा वो कर लेगा। बट प्रॉब्लम इधर पे ये आएगी कि हमारा मेंटी क्विज अपन ने 8:30 बजे शिफ्ट कर दिए है ना, और 6:30 बजे भी अपना कुछ प्लान है, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कतें आएगी। तो इसलिए मैं क्या सोच रही हूँ, मैं आप लोगों को, आपका बोर्ड एग्जाम कितने बजे होता है? आपका बोर्ड एग्जाम सुबह 11 बजे से लेके 2 बजे तक होगा ना, 11 बजे से लेके 2 बजे तक। तो मैं क्या करूंगी, एकदम शार्प सुबह सुबह 11 बजे आप लोगों को टेलीग्राम में एक सैंपल पेपर भेजूंगी, यही वाला कल सुबह, जो भी बच्चा
दो बजे से पहले सॉल्व करके मुझे उसका पीडीएफ बना के भेज देगा, उसको आंसर मैं उसको चेक करके बता दूंगी, ठीक है। लाइव आके तो मैं बताऊंगी, लाइव तो आऊंगी, बट उसका पर्सनल भी कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है बहुत कम बच्चे कर पाएंगे, सब नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए टेलीग्राम पर भेजना है। तो ये वाला जो अपना प्लान था ना कि मैं 6 बजे भेजूंगी, 6 बजे, ये वाला मैं कैंसिल कर रही हूँ, और इसका टाइम क्या रख रही हूँ, सुबह 11 बजे। तो सुबह 11 बजे अभी से हैबिट डाल दो कि 11 बजे से लेकर 2 बजे तक आपके 3 घंटे की लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओके, समझ में आ गया क्या करना है आपको। 17 फरवरी, 18 फरवरी और 19 फरवरी को सुबह 11 बजे टेलीग्राम पर एक एक पेपर आया करेंगे, वो सॉल्व करके आपको मुझे दोपहर के 2 बजे भेजना है, और वही क्वेश्चन पेपर रात के 9 बजे मैं आपको तो सॉल्व करवाने ही वाली हूँ। तो आप रीचेकिंग भी कर सकते हो कि मैंने जो भी ग्रामर सॉल्व किया क्या वो सही है गलत है, ठीक है। और याद रखना कल अपना 8:30 बजे मेंटी होगा, ओके। 6:30 बजे भी कुछ ट्राई करूंगी लाने का अगर पॉसिबल हुआ तो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है यार मेरे भी एग्जाम है, तो मेरा जो एग्जाम होता है 1:30 से 3:30 चलता है, घर आते आते 5:30 बज जाते, तो जो भी होगा 6:30 बजे पॉसिबल हुआ तो। अगर सो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, बस सो ना हो, ये एक बार सो जाती हूँ तो हो गया, फिर रात के 9-10 बज जाएंगे, तो देखते हैं। लेकिन क्या सीन हो गया यार, मतलब 21 फरवरी को आप लोग भी एग्जाम लिख रहे होंगे 12th का, मैं भी एग्जाम लिख रही होंगी अपने मास्टर लेवल का, मतलब एकदम अलग ही कहानी होगी। ऐसा फीलिंग बाद में जब याद करूंगी तो बहुत खुशी होगी कि एक भी ऐसा टाइम था जहां पे मैं खुद एग्जाम लिख रही थी और मेरे स्टूडेंट भी एग्जाम लिख रहे थे, दोनों के एग्जाम एक साथ चल रहे। मजा आता है। तो रेडी रहना कल के लिए, ठीक है, 11 से 2। याद रखना जो भी बच्चा 2 बजे के बाद भेजेगा उसका मैं चेक नहीं कर पाऊंगी। चलो फिर इसके साथ आगे बढ़ जाते हैं और अपन फटाफट सॉल्व करते हैं अपना, क्या फटाफट सॉल्व करते पिक आउट। विलियम शेक्सपियर, अरुण जोशी, विक्रम सेठ एंड किरण। ये अरुण, विक्रम और किरण के बीच में विलियम जनाब क्या कर रहे हैं भाई? विलियम, अरुण, विक्रम और किरण के बीच में क्या कर रहे हैं? तो इनको विलियम को हटा देंगे और अपने करते ऑड मैन आउट। हीरो, हीरोइन, विलन, कैरेक्टर है नॉवेल के और नॉवेल अपना अलग हो गया। क्लाइमेट, पीरियड, प्लेस और नॉवेलिस्ट, नॉवेलिस्ट अलग हो गया। थीम, प्लॉट, कैरेक्टर और नॉवेला, नॉवेला अलग हो। तो ये सारे इसके आंसर थे। फटाफट बढ़ जाते हैं 4.2। द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट टू सर विथ लव। देखो बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ना लिख लो और याद कर लो एक आंसर बनाकर, ठीक है। थीम क्या है नॉवेल का, आपको पहले क्या बात में क्या बोली थी, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 अलग अलग बातें लिखनी है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप क्या करोगे, 4 अलग अलग बातें लिखोगे। तो पहला थीम अपना क्या है नॉवेल का, कि हाफ ईयरली रिपोर्ट में होने वाला है, ये वाली बात, आगे पीछे होगा तो भी चलेगा। एक और थीम क्या है कि बच्चे लोग का बिहेवियर सुधारा गया है, स्टूडेंट्स बिहेवियर के बारे में आपको लिखना है, पहले कैसा था और बाद में कैसा हो गया। ओके, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देना बी आर ब्रेथवर्ड की लाइफ के बारे में, कि कैसे, सॉरी ई आर ब्रेथवर्ड ने अपनी लाइफ में कैसे रेसिज्म फेस करे, थोड़ा सा, ठीक है, ज्यादा नहीं, बड़ा चढ़ाना नहीं, ज्यादा थोड़ा सा, कि वो रेस्टोरेंट जाते थे तब ब्रिटिश आर्मी ने निकाल दिए, फिर उनको जॉब में इंटरव्यू से भी कॉल्स नहीं आते थे, ठीक है। और लास्ट में थोड़ा सा, एकदम हल्का सा डेनहम के बारे में बता देना, ठीक है, क्योंकि ये 4 चीज अपनी क्या हुई है अपने चैप्टर में, 4 मेन आप बोल सकते हो ना मेन पॉइंट्स है, कि हाफ ईयरली रिपोर्ट के बारे में है, स्टूडेंट का बिहेवियर के बारे में है, पहले लोग बुरे थे फेलियर लोग, बाद में इसको सुधार दिया गया ईआर ब्रेथवर्ड के द्वारा, ईआर ब्रेथवर्ड ने रेसिज्म फेस करे वो है, और लास्ट में एंडिंग कैसे हुई है, एंडिंग अपनी किससे हुई है, कि डेनहम और मिस फिलिप्स जो टीचर है उसके बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ, ठीक है। तो बस हल्का, ज्यादा नहीं, 2-3 लाइन में आपको बस बताना है, 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। Give the character sketch of E.R. Breathwaite a narrator. Of course, आप क्या बोलोगे, he
इन्होंने ही अपना ये नॉवल लिखे है, फिर वही सेम कहानी उनके बारे में पूरा बताना है, कैसे स्टूडेंट को सुधारे, बहुत एंशियस थे। लिख लोगे ना यार, मैंने बहुत बार सॉल्व करवाई हूँ ये वाले आंसर। तो आगे बढ़ जाते हैं 3.4.3। 4.3 जो भी बच्चों को स्क्रीन ब्लर दिख रही है प्लीज सेटिंग में जाके सही कर लो। चलो, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कैरेक्टर ऑफ द नॉवल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग जस्टिफाई इट। चार कैरेक्टर है, इसमें से एक कैरेक्टर ऐसा है जो मेजर कैरेक्टर नहीं है, छोटा कैरेक्टर है अपने स्टोरी का, कौन है? फॉग और द जेम्स या पासपार्टू? बहुत इजी यार, बहुत इजी, बिल्कुल जेम्स स्ट्रैंड, क्योंकि भाई फॉग तो अपना प्रोटैगनिस्ट है, ओदा भी मेन कैरेक्टर है, पासपार्टू भी मेन कैरेक्टर है, ये जेम्स क्या है? माइनर कैरेक्टर है। जेम्स कौन है? जेम्स फिलिप्स फॉग का फ्रेंड है, जो कि क्या था, जो ये बोला था कि भाई तू 80 दिन में दुनिया घूम ही नहीं सकता, और 20,000 पाउंड्स की लोग के बीच में शर्त लगी थी। ये लोग सब क्या कर रहे थे? रिफॉर्म क्लब में वेट कर रहे थे, और इन लोग को यकीन था ही नहीं कि 80 दिन में ये आ जाएगा। ठीक है, ये सब बात आप लिखोगे और बताओगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स तो आपको इसको सेलेक्ट करने पे ही मिल जाएगा। 1 मार्क्स आपको क्या सेलेक्ट करने में मिलेगा? जेम्स का नाम लिखने में मिलेगा, और बस इतना बताने में आपको बाकी का नाम मार्क्स मिलेगा एक, कि वो जो है फिलिप्स का फॉग है, इसकी ज्यादा बातें नहीं की गई है। ठीक है, आगे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा बड़ा स्पीच राइटिंग की तरह लिख के मत आना। बहुत सारे बच्चे मैं देखती हूँ, पिछले साल चेक करी थी क्वेश्चंस नॉवल के, तो इतने बड़े बड़े स्पीच राइटिंग कैसे लिखते हैं अपन, इतना बड़ा बड़ा एक पेज भर के वैसे आंसर लिखते हैं नॉवल के। 2 मार्क्स के लिए इतना बड़ा लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कंटेंट ज्यादा लिखने के मतलब नहीं, क्वालिटी हाई रखो। फिलिप्स फॉग इज एज कूल एज कुकुम्बर, वेरियस पासपार्टू इज एज क्रेजी एज लून। ओ हो हो, यहाँ पे क्या बोल रहा है? पीडीएफ बनाकर आपको भेजना है, पीडीएफ टेलीग्राम पर। ठीक है, बताओ क्या आंसर दोगे? ये आपके नॉवल नंबर 4.3 के टेक्स्ट बुक का एक लाइन है कि फिलिप्स फॉग कैसा है, ककड़ी की तरह ठंडा है। ककड़ी ठंडी होती है ना, यानी शांत है, कोई भी सिचुएशन उसकी लाइफ में आती है तो वो उसको शांति से हैंडल करता है ना। तो ये इसका एक फ्रेज है, इसको अपन कैसे प्रूफ करेंगे ये बात को? अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज की स्टोरी को मद्देनजर रखकर। अरे भाई, जब वो लिवरपूल में अरेस्ट हो गया, जब उसको अरेस्ट कर लिया गया बिना कोई जुर्म के, तब वो पागल हो सकता था भाई, जेल का दरवाजा तोड़ सकता था, बोल चिल्ला सकता था कि भाई मैं चोर नहीं हूं, मेरे से पूछो, मैं आपको बहुत सारे रीजंस बता सकता हूँ, बट उसने कुछ नहीं बोला, वो शांत था एकदम, कुछ नहीं बोल रहा था, एकदम शांति से बैठा हुआ था। तो लिवरपूल का आपको एग्जाम्पल देकर यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि उसको अरेस्ट कर लिया गया था, उसके बावजूद वो क्या नहीं किया, चिल्लाया नहीं। अब पासपार्टू क्या है? क्रेजी है लून की तरह। लून मतलब बहुत ज्यादा जो क्रेजी पर्सन होते हैं ना, जो छोटी छोटी बात में एकदम बौखला जाते, राई का पहाड़ बना देते, तो वैसा। तो जैसे ही जब उसको पता चला पासपार्टू को कि अपना ये फिलिप्स को अरेस्ट कर लिया गया है, पासपार्टू पगला गया और अपने आप को सारा दोष अपने आप को देने लगा। तो इससे क्या पता चलता है? छोटी छोटी सिचुएशन होती है तो उसको राई का पहाड़ बना देते हैं। तो ये सारे बातें लिख कर आपको प्रूफ करनी है, प्रूफ अपनी स्टोरी का, कुछ इंसिडेंट निकाल के अपने आंसर में डालना है और अपने बात को प्रूफ करना है। सिर्फ ऐसी हवा हवा की बातें नहीं करके आनी है,
हवा हवा की बातें नहीं करनी है, आपको प्रूफ देना है स्टोरी का। जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिवरपूल का एग्जाम्पल देंगे, डिटेक्टिव फिक्स का यहाँ पे अपन चीजें डालेंगे, पासा पार्टी खुद को ब्लेम कर रहा था, ये सारी स्टोरी के इंसिडेंट है। ये सारी बात को अपन बोल के क्या बोलेंगे कि यस देयरफॉर वी कैन से दैट फिलिप्स इज एज कूल एज कुकुम्बर वेरियस पासा पार्टी इज एज क्रेजी एज लून। ठीक है, लास्ट फाइनली अपना स्टार्ट हो रहा है 4.4, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल डिस्क्राइबिंग द क्वालिटीज ऑफ गिवन कैरेक्टर साइन ऑफ फोर। दो करेक्टर इधर पे दिए गए हैं, डॉक्टर वॉटसन एंड शेरलॉक होम्स, इन लोगों की अपने को क्या करनी है, क्वालिटीज लिखनी है। हाँ, अगर आपको याद है सलमान, आपको कैरेक्टर बिहेवियर याद है तो आप बिल्कुल लिख सकते हो। मैम हमको बहुत डर लग रहा है, ये ऐसा भी तो हो सकता है, ये डर आपका कभी कभी ना ऐसा होता है कि हम पढ़ लिए होते हैं ना, मतलब जो बच्चा टॉपर है, मतलब जिसने पूरे साल अच्छे से पढ़ा है, उसने कॉलेज में भी अच्छे मार्क्स लाए हैं, तो इस मोमेंट में ना उसको भी कहीं ना कहीं दिल में हलचल मच रही होगी। सच में अगर आपका कोई दोस्त है टॉपर है ना, कॉल लगा के पूछ लो, सच बोल रही हूँ, कांटेक्ट में बहुत सारे बच्चे हैं ना मेरे, तो डरे हुए, तो आपके से वैसे सिचुएशन नहीं है। और ऐसा तो बिल्कुल मत सोचना कि मैंने पढ़ाई नहीं किया इसलिए डर लग रहा है, डर तो हर बच्चे को लग रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार पहला पेपर दे रहे हो बोर्ड एग्जाम का, तो आपको ऐसा लग रहा हो पता नहीं क्या है बोर्ड है ये, ऐसा बस लेना कि हाँ मेरी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है, एक ऐसा एग्जाम है बस कि जब मैं आगे लाइफ में मतलब 30 साल का भी हो जाऊंगा तो कभी ना कभी कोई ना कोई इंसान से मेरे से पूछने वाला है कि भाई 12वीं में कितने मार्क्स आए थे। अरे भाई नकली मार्क्स बता देना उसको, 60 भी आए तो बोल देना 85-90 आए थे, कौन सा वो चेक करने आएगा पेपर आपका कौन सा आपका रिजल्ट चेक करने आएगा। तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है, इतना भी स्ट्रेस नहीं लेना है, बस अपना बेस्ट दो। आप अपना दिल से शिद्दत से मेहनत कर रहे हो, आपको पता है कि मैंने जो दिल और जान अच्छे से लगाया हूं, तो फिर देखना सब कुछ आसान हो जाएगा। यस, तो शेरलॉक होम के द्वारा अपन बहुत कुछ लिख सकते हैं। मैंने आपको जब वो वन शॉट दी ना, वन शॉट, उसमें मैंने आपको कैरेक्टर स्केच में कितनी सारी क्वालिटी बताई ना शेरलॉक होम की, कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वर्कहोलिक है, पता नहीं क्या क्या बताई हूँ। डॉक्टर वॉटसन का भी बताई हूँ कि वो पार्टनर है और बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग है, ये है वो है, ठीक है, वैसा सब भर देना प्लीज। इसलिए ना मैं आपको क्या बोल रही हूँ, मेरा वन शॉट देखो यार, वन शॉट एक बार देख लोगे ना, ये इस चैनल में रिक्वेस्ट करूंगी, यहाँ पे 1300 बच्चे वीडियो देख रहे हैं, 1300 बच्चों में से कोई भी अगर एक ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा, JEE नीट के उसमें लगा हुआ था, या भले या पूरे साल टाइम पास कर रहे थे, तो आप इस चैनल पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ, ठीक है, प्लेलिस्ट वाले, जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं आपके लिए मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी उसका लिंक, प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट का नाम क्या है, इंग्लिश न्यू सीरीज। क्या नाम है प्लेलिस्ट का, इंग्लिश न्यू सीरीज नाम की आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी, उसमें कुछ 25 वीडियोस है, वो 25 वीडियो को 2x स्पीड में देख लो, कॉन्फिडेंस इधर से इधर नहीं गया 3 दिन में, तो बता दे 100% गारंटी है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने वो सिलेबस कंप्लीट करी हूं मुझे ही पता है, कोई बच्चा एंड मोमेंट में भी उसको देख के कंप्लीट कर सकता है, मतलब हर वीडियो में अलग अलग चैप्टर है, अलग अलग चैप्टर को वन शॉट में पढ़ाई, और एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा नहीं इधर उधर का छोटी मोटी चीज है, जो भी इंपॉर्टेंट है बस वो। तो जो भी बच्चों ने नहीं पढ़े हैं, रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू प्लेलिस्ट में जाओ और चेक करो इंग्लिश न्यू सीरीज, 25 वीडियो है, 3 दिन में कंप्लीट कर लो, वीडियो देखो समझो, मैंने उसमें एक्सप्लेनेशन भी दी हूँ, क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करवाई हूँ, और साथ ही साथ क्विज भी ली हूँ, तो आपका एक्सप्लेनेशन के साथ क्या हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन के साथ क्या हो जाएगा, अरे भाई प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट, लास्ट क्वेश्चन, साइट वेरियस रेफरेंस फ्रॉम द साइन ऑफ फोर दैट टेल्स अस अबाउट द टाइम एंड पीरियड ऑफ द इवेंट। ये तो बहुत ही डिटेल क्वेश्चन पूछ लिया यार, ऐसा क्वेश्चन अपने एग्जाम में ना आए ऐसी दुआ रहेगी दिल से, अपने को एक खतरनाक क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, लोग क्या बोल रहे पता है भाई, तेरी नॉवल ना 4.4 में से, नॉवल नंबर 4.4 में से कुछ ऐसी लाइन निकाल के बता जो टाइम बता रही, तो
तो अब हम तो कोई यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने नॉवल को याद किया होगा, कोई पागल थोड़ी है जो नॉवल को बैठ के याद करेगा। तो जो बच्चे ने गहराई में पढ़ा है, गहराई में, तो उसको इंसिडेंट याद आएंगे कि अच्छा ये नॉवल में कुछ टाइम टाइम कहाँ पे मेंशन हुआ है। टाइम याद करो, टाइम, साइन ऑफ फोर, आपको क्या लगता है? एट फोर्टी फाइव, अरे गलती कर दिए, देखे 8:45, अरे वो तो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज का है स्टोरी। 8:45 जो आप टाइम बता रहे हो ना, वो तो अपनी स्टोरी अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज है, वो फिलिप्स को पहुंचना है, वो 4.3 की स्टोरी है, अपन 4.4 नॉवल में आए हैं, साइन ऑफ फोर। तो सबसे पहली कहानी तो अपनी क्या है, सबसे पहली कहानी, यस, 10 ईयर्स, ठीक है, 10 ईयर्स, बिल्कुल 10 ईयर्स का बताओगे कि 10 साल से क्या, कौन, पहले बताओगे 10 ईयर्स, 10 ईयर्स क्या शो कर रहा है कि मैरी के पिता 10 साल से गायब है, ओके? फिर एक हर साल, एवरी ईयर लिखने का, ये भी एक टाइम है ना, हर साल क्या हो रहा है, मैरी को एक पर्ल रिसीव हो रहा है, बस ना, दो बातें हो गई अलग अलग, दोनों को एक्सप्लेन कर दो, 2 मार्क्स जेब में, हो गया। तो वही मैं बोल रही हूँ, दिमाग लगाना पड़ेगा अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए ना, तो थोड़ा शांति में बैठ जाने का, आंख बंद करने का, स्टोरी को मेमोराइज करने का कि कौन सा ऐसा इंसिडेंट था जहां पे टाइम की बात हुई है, ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, ठीक है। हाँ, और भी आपको कुछ याद आ रहा है, जैसे कि हाँ, लैसियम थिएटर लोगों को पहुंचना था 7 बजे, बिल्कुल, क्या बात है, ठीक है, तो ये सब है अपना, ओके, समझ में आ गया होगा। इसके साथ आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है और हमने बाजी मार ली है 7th पेपर की। कल अपना क्या क्या होगा गौर से सुन लो, कल अपना 8:30 बजे मेंटी होने वाला है, ठीक है, रेडी रहना मेंटी क्विज के लिए। 9 बजे सैंपल पेपर #8 होगा, सैंपल पेपर #8। सुबह 11 बजे आपको जो सैंपल पेपर में 9 बजे कराने वाली हूँ ना, वही सैंपल पेपर में ऑलरेडी सुबह आपको भेज चुकी होंगी, याद रखो सुबह मैं आपको भेज चुकी होंगी किधर पे, टेलीग्राम पर। तो सॉल्व करके बैठ जाना 2 बजे, पॉसिबल हुआ तो सेंड कर देना, पॉसिबल नहीं हो रहा है, आपसे नहीं हो पा रहा है, कैसे करूँ क्या करूँ, तो डायरेक्टली 9 बजे जब मैं लाइव आऊंगी तो मेरे साथ साथ आप अपने आंसर भी रिचेक कर लेना, सिंपल, ठीक है। सो आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी, अभी जो है हम मिलेंगे कल, ओके, और अभी मैं भी जो है सेशन को एंड करके अपनी पढ़ाई करने जाऊंगी। मेरे को बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, मैम आप अपना पढ़ते कब हो यार, आपको देखो सुबह में पोस्ट डालते हो, 6 बजे लाइव आते हो, 8 बजे, 9 बजे, सेशन आपको 11 बजे एंड होता है, आप बोलते हो आपके एग्जाम है, आप पढ़ते कब हो? ऐसे बच्चे कमेंट करते बहुत। अरे भाई मैं रात में पढ़ती हूँ अपनी पढ़ाई, रात में पूरा का पूरा मेरा, रात के अभी मेरा सेशन एंड होगा, खाना खाऊंगी, डिनर करूंगी, उसके बाद 1 बजे से, मतलब 12:30, 1 बजे के करीब मेरी जो पढ़ाई स्टार्ट होगी मेरी खुद की, मास्टर लेवल की। बहुत सारे बच्चों को थोड़ा बता दूं, आप बोलोगे आपने क्या करे हो, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, तो अभी मेरा मास्टर का लास्ट ईयर चल रहा है, ठीक है, मतलब थोड़ा बताना भी इंपॉर्टेंट होता है ना, बच्चों को पता भी तो होना चाहिए कि मैम से जो पढ़ रहे हैं वो हमारी मैम शफक मैम कर क्या रहे हैं। तो मैं जो है मास्टर्स कर रही हूँ इकोनॉमिक सब्जेक्ट में, ठीक है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट आपको पता होगा, उसमें मास्टर्स कर रही हूँ, बस हो गया है ऑलमोस्ट, अप्रैल में मेरा मास्टर की डिग्री मिल जाएगी और फिर मैं हो जाऊंगी भाई पार। हाँ, बहुत डिफिकल्ट होता है यार मास्टर, तो यही रहेगा, 6-7 बजे तक पढ़ाई चलेगी, फिर आप लोगों का 6 बजे तक खुद की पढ़ाई करती हूँ, फिर 6 बजे के बाद जो भी पोस्ट डालती हूँ ना मैं, कम्युनिटी पोस्ट डालती हूँ, सेशन शेड्यूल करती हूँ, आप लोगों को मैसेज करती हूँ, वो सब मैसेज करके मस्त सो जाती हूँ शाम, मतलब सुबह के 6 बजे ये सब पढ़ाई करती हूँ, फिर आपके सब पोस्ट वोस्ट करके सो जाती हूँ, और फिर सुबह 11-12 बजे उठ जाती हूँ, 12 बजे, 1:30 बजे का पेपर है, 6-7 घंटे की नींद मिल गई, और क्या ही चाहिए जिंदगी में, मतलब इतनी नींद मिल गई, और बीच बीच में भी तो मिल जाता है, नैप वैप मिल जाता है, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, तो ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है, होता है,
और मैं जो आप लोगों के लिए कर रही हूँ ये करने से मुझे और अपनी पढ़ाई करने में मजा आता है, क्योंकि मुझे पता चलता है कि भाई एक्चुअल हार्डवर्क होता क्या है। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल भी ऐसा टेंशन नहीं लेना है। मतलब बहुत सारे बच्चे बोल, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने ऐसा कमेंट करे कि मैम आपको एग्जाम चल रहा है कि आप क्यों एफर्ट लगा रहे हो, हम इतना करें बस हो गया, मतलब 6 पेपर कर लिए, 7, टेंशन मत लो, मुझे ये करने में मजा आता है। अपन करेंगे 21 तारीख तक करेंगे और आपका पेपर 21 तारीख को हो जाएगा, 21 को हो जाएगा। तो उसके बाद मैं, प्लीज मुझे बता देना यार वीडियो के, कोई भी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना और बता देना आपका पेपर कैसा गया। मैं लाइव आके हम अपन सॉल्व तो करेंगे आपका बोर्ड का पेपर, ठीक है, लाइव आके हम आपका बोर्ड का पेपर सॉल्व करेंगे, तो रेडी रहना उसके लिए भी, मैं आपको करवाऊंगी। बस प्रॉब्लम यही है ना कि मेरे को घर आते आते 5:30 बज जाएंगे, इसलिए मैं लाइव 6:30 बजे आऊंगी, बट मैं अपने कैंपस से, ठीक है, कॉलेज के कैंपस से लाइव आऊंगी हाँ जरूर वो, क्योंकि मेरे को खुद रहा नहीं जाएगा, तो याद रखना मोबाइल से ही आ जाऊंगी क्योंकि मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। तो आप मेरे को फर्स्ट टाइम 21 फरवरी को लगभग 4 बजे, शाम के 4 बजे मैं अपने कॉलेज के कैंपस से ही लाइव आऊंगी, ठीक है, और आप बस मुझे अपने लाइव में कमेंट में बता देना आपका पेपर कैसे हुआ। फिर घर जाने में मेरे को 1.5-2 घंटा लगेंगे, तो मैं शाम के 6:30 बजे आकर घर में स्टूडियो में क्या करूंगी, पेपर सॉल्व करूंगी, ठीक है। तो ये अपना कुछ पहले का प्लान है, हाँ, इसलिए आपके आपके नीचे डार्क सर्कल है, हो गया आपका ताना मार के मजाक उड़ा लो या खिल्ली उड़ा लो, चलते। कॉलेज का नाम क्या है? मेरे कॉलेज का नाम है मुंबई स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी, बहुत बड़ा नाम है, मुंबई स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी नाम है, ठीक है। और भी कुछ भी दुविधा होगी प्लीज कमेंट करो, ठीक है। याद रखना यार मेरा 12th क्लास वाले बच्चों के साथ अलग लेवल का ही कनेक्शन है, क्योंकि आज तक पिछले 5 सालों से पढ़ा रही हूँ, 5-6 साल हो जाएंगे, मतलब मैंने अपने, मतलब पढ़ाना जो है ट्यूशन से स्टार्ट की थी, 16 बच्चे घर में पढ़ाते हैं ना वैसा, 15-16 बच्चे आया करते थे, बस वो लोग से ही था, मतलब मैं कभी सोची नहीं थी कि एक टाइम ऐसा आएगा कि 1000 से ज्यादा बच्चे को पढ़ाने का मौका मिलेगा, तो मतलब कभी कभी बहुत ज्यादा खुशी होती है। और आप लोग भी इतना सारा प्यार देते हो, कमेंट करते हो, बोलते हो कि मैम बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई है जो अच्छे से पढ़े, तो ऐसा लगता है कि हाँ जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो बहुत अभी मतलब इस मोमेंट में मैं जितनी ज्यादा खुश हूँ आप सबको नहीं पता होगा, मतलब आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे होगे तो बस वही है यार, कभी कभी कुछ कुछ बातें होती है जो फ्लो फ्लो में निकलती रहती, वही मैं बता रही हूँ। बस इस अभी जो वाली सिचुएशन है मेरी, बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं, ऐसा है। और मुझे कभी कभी लगता है कि टीचिंग इज रियली माई पैशन, तो देखते हैं यार महाराष्ट्र, अपने महाराष्ट्र के एजुकेशन सिस्टम में कुछ और अच्छापन कर पाए तो जरूर, ठीक है, करूंगी। वेलकम एवरीवन, ठीक है। मेरा 12th में 87% आया था, बहुत बच्चे पूछ रहे हैं मैम आपका 12th में कितना आया था, मेरा 12th में 87 आया था, बता देती हूँ, चलो यार बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होंगे, ठीक है, रुक जाओ बता ही देती हूँ आज आप लोग को मेरे बारे में थोड़ा सा अगर आपको जानने की इच्छा है तो रुक जाइए। तो मेरा आया था 12th में 87%, कोई भी मतलब ऐसा ट्यूशन वगैरह नहीं लगाई थी, मतलब मैं जो है अपना पढ़ाई जो है आर्ट स्ट्रीम से करी हूँ, क्यों, बिकॉज मुझे यूपीएससी एग्जाम देना था सिविल सर्विस, भाई आईएएस ऑफिसर बनने का सपना रखे थे, है ना, तो इसलिए आर्ट्स लिए 10th के बाद और 87% आया। मैं जिस कॉलेज में पढ़ी उस कॉलेज का नाम था अब्दुल्ला पटेल, तो उधर पे मेरा फर्स्ट रैंक आया, ठीक है, फर्स्ट रैंक। और मैं जो सिटी में हूँ, ठीक है, जो सिटी में हूँ वो सिटी का नाम है मुमरा, ठीक है, थाने के 2 स्टेशन बाद जो बच्चे थाने वगैरह में रहते हैं तो मुमरा, तो उधर पे भी मेरा फर्स्ट रैंक आया, ओके। तो उसके बाद से थोड़ा मोटिवेशन आया कि भाई हम जब 12th में थे तो कोई आर्ट्स वालों को पढ़ाने के लिए कुछ है ही नहीं, मतलब ना क्लासेस है ना कोई टीचर है, तो फिर मैंने क्या सोची कि भाई मेरा 12th पास होगा ना तो भाई मैं एक बच्चे को पढ़ाऊंगी, लेकिन पढ़ाऊंगी क्योंकि मेरे को दर्द पता है आर्ट्स वाले बच्चों का, आर्ट्स वाले बच्चे इधर पे हो गए ना वो मेरा दर्द समझ सकेंगे, है ना, अपना दर्द
अरे भाई कोई पढ़ाते ही नहीं है ना साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, यूट्यूब में भी जाकर सर्च कर लो। मेरा है आपको एकमात्र मतलब दो तीन चैनल आपको दिखेगी जो कुछ कर रहे हैं 800 लोग के लिए, बाकी सब लोग साइंस एंड कॉमर्स के पीछे। तो मैंने क्या सोची, मैं जब 12th पास होंगी ना तो मैं ना मतलब 800 लोग के लिए क्लासेस मतलब ट्यूशन खोलूंगी, क्लासेस तो ऑफकोर्स मेरे पास कुछ था नहीं, मैं क्या क्लासेस खोलूँ। तो मेरा रिजल्ट आया 30 में, ठीक है, 30 मई 2018, याद है मेरे को अभी, 30 मई 2018 को रिजल्ट आया। पता चला कि भाई फर्स्ट रैंक आ गए हैं कॉलेज में, अपने मुमरा में भी फर्स्ट रैंक आ गया है, मस्त मजा आ गया। तो फिर कॉन्फिडेंस आया कि हाँ भाई अब तो कर सकते। तो फिर 1 अगस्त को मैंने क्या करी, मैंने अपना मतलब ऐसा घर में सब ट्यूशन लेते हैं ना, ट्यूशन स्टार्ट करो, तो मतलब ट्यूशन स्टार्ट कहाँ से मोटिव आया कि भाई बच्चे लोग जो मेरे जूनियर थे, मतलब मैं जब 12th में थी और वो लोग 11th में थे, है ना, तो वो लोग आते हैं ना कि मैं मतलब दीदी प्लीज पढ़ा दो ना, दीदी पढ़ा दो ना, तो मैंने बोली चलो यार आ जाओ। तो स्टार्टिंग के 4-5 बच्चे को तो फीस भी नहीं ली, फ्री में आ जाओ, मतलब कोई ज्यादा था भी नहीं, 4-5 ही थे। अब वो 4-5 बच्चे अपने फ्रेंड लोग को भी लेकर आ रहे, वो 4 के 10 बच्चे हो गए। मैं बोली अरे भाई 10 बच्चे, मैं खुद डिग्री लेवल पे पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं जब 12th पास हो गई मैं डिग्री में थी। तो फिर मैं बोली अभी क्या करूँ, तो लोग बोले कि मैम पढ़ा दो, मतलब दीदी दीदी बोलते थे लोग, मैं एक ही साल बड़ी थी उन लोग से, तो एक ही साल बड़ी थी तो दीदी दीदी बोलते थे, तो मैं पढ़ाती थी उन लोग को 1 के 10, मतलब फर्स्ट बैच में तो मेरे बस 10 कितने थे, 10 बच्चे थे, उसमें से 2 बच्चे ने छोड़ दिए थे, तो टोटल 8 बच्चे थे 8 बच्चों को पढ़ाती थी बस। तो फिर हुआ क्या, वही 8 बच्चे में से 3 बच्चे जो थे फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, भाई बुमराह में उन लोग नहीं लाए ना, और फिर कॉलेज में भी फर्स्ट वो लोग ही आए। मतलब क्या हुआ पता है आप लोगों को, कि मेरी जो फर्स्ट बैच थी ट्यूशन की, सेकंड बैच थी और थर्ड बैच थी, ठीक है, मतलब मैं जब फर्स्ट टाइम पढ़ाई तो 8 बच्चे थे, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स थे, सिर्फ और सिर्फ 8 बच्चों को पढ़ा रही थी विदाउट एनी फीस, और बाद में जो 4-5 बच्चे आए थे उन लोग से भी ली थी, वो बस 500 रुपया ली थी और कुछ नहीं ली थी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड बैच आई, ठीक है, सेकेंड बैच में कुछ 30 स्टूडेंट्स हो गए थे, ओके, और थर्ड बैच में भी 30 थे, क्योंकि 30 बच्चों से ज्यादा मेरे घर में कुछ जगह भी नहीं थी, एक छोटा सा ही घर है तो 30 बच्चों से ज्यादा ले भी नहीं सकते, ठीक है। तो हुआ क्या भाई साहब, आपको पता है ये तीनों बैच में से फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक एंड थर्ड रैंक, भाई तीनों साल शफक की क्लास से आ रहे, मतलब शफक ट्यूटोरियल से आर्ट्स के बच्चे टॉप कर रहे, फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, तीनों साल। तो ऐसा सिलसिला चल रहा था। तो फोर्थ बैच जब मैं पढ़ाने जा रही थी, ठीक है, मतलब फोर्थ बैच में थोड़ा ज्यादा मेरा था कि भाई फोर्थ बैच को अच्छे से पढ़ाएंगे और प्लान थे, बट उसमें फिर लॉकडाउन लग गया, ठीक है, उसमें लग गया भाई लॉकडाउन। अब लॉकडाउन लग गया, अब क्या करेंगे ना क्लासेस चला सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, तो अब हो गया सब फ्लॉप हो गया, कुछ नहीं कर सकते थे। तो वहां भी रुके नहीं भाई, वहां पे अपन ने उसी साल भाई क्या हो गया, महाराष्ट्र का सिलेबस चेंज हो गया, उसी साल क्या हो गया, महाराष्ट्र का सिलेबस चेंज हो गया। और फिर मेरे को ऐसा आइडिया आया कि भाई यूट्यूब चैनल तो है ना, यूट्यूब में तो पढ़ा सकते, मतलब बहुत से लोगों ने बोले यूट्यूब में पढ़ा के क्या करोगे, वहां पे तो कुछ अर्निंग भी नहीं होगी, यहाँ पे तो फ्री में होता है सब कुछ, मतलब पढ़ाने से मतलब है ना, पढ़ाओ। तो फिर यूट्यूब चैनल खोले फोर्थ बैच में, और फिर उसके बाद से कभी ऑफलाइन मतलब पढ़ाने का मौका ही नहीं मिला, यूट्यूब में ही लग गए। फिर यूट्यूब में लगे तो फिर सब्सक्राइबर बढ़ने लग गए, एक साल में मतलब कुछ 20,000 हो गए थे सब्सक्राइबर। तो वहां से अन अकेडमी वाले आ गए अन अकेडमी भाई इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ऑफर आता है, ठीक है, अन अकेडमी पता ही होगा ना आप लोगों को, अन अकेडमी वाले आए मेरे पास ऑफर लेकर, मैम इंग्लिश टीचर की जरूरत है महाराष्ट्र में, सुनने में आया है कि आप इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ाते हो। मैं बोली हाँ पढ़ाती तो हूँ, पर अभी मैं अपनी डिग्री में हूँ ना, तो मैं पढ़ा मतलब अभी अन अकेडमी में नहीं पढ़ा, आपके उसमें नहीं पढ़ा सकती। तो बोले कितना लोगे कितना लोगे भाई, पैसा मेरे से पूछ रहे हैं कितना पैसा लोगे। तो फिर मैं बोली कि अभी मेरे लिए मेरा पढ़ाई इंपॉर्टेंट है ना, डिग्री लेवल पे हूँ, मैं कैसे ज्वाइन करूँ। तो फिर उन लोग ने कुछ मुझे ऑफर दिए थे, तो वो ऑफर मैंने नहीं ली, अच्छा था वो ऑफर बट मैंने नहीं ली, मतलब अच्छा खासा पैसा था बट मैंने नहीं ज्वाइन करी। तो फिर चले गए वो लोग, फिर नहीं आए। उसके 4-5 महीने बाद फिर आते अन अकेडमी वाले कि भाई जितना ऑफर दिए थे ना उसका डबल ऑफर दे दे, आएंगे क्या, डबल सीधा। और तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि हाँ भाई सही तो है, और अगर
ऐसा कहीं और पढ़ाने का मौका मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि अब तक जितना मैं कर रही थी सब खुद ही से कर रही थी, मतलब खुद ही ऑफलाइन कराना, खुद ही यूट्यूब करना, सब खुद ही। अब यहाँ पे बारी ऐसी आई थी कि किसी दूसरे के अंडर में करना है, तो फिर मैंने बोली चलो यार लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं ऑफर, है ना। अच्छा ऑफर था वो, बाद में कभी बताऊंगी क्या ऑफर था क्या नहीं था, अभी नहीं बताऊंगी, जब अपना सब एग्जाम एग्जाम हो जाएगा तब अपन ऐसी वैसी बातें करेंगे। तो फिर अनअकैडमी से अच्छा सपोर्ट मिला बहुत ज्यादा। तो आप मेरे स्टार्टिंग की वीडियो देखोगे ना, स्टार्टिंग की वीडियो भाई क्वालिटी की धज्जियां उड़ी हुई है उसमें कुछ क्वालिटी नहीं है वीडियो में, मतलब मेरा सिर्फ हाथ दिख रहा है, बैकग्राउंड नॉइज है, भरी पड़ी है, मतलब इतनी आवाज आ रही है कि बता नहीं सकते, पंखा चल रहा है, ये चल रहा है। मेरी पहले की वीडियो देखो स्टार्टिंग की, कुछ क्वालिटी नहीं है उसमें। फिर जब अनअकैडमी आया तो उससे बहुत सपोर्ट मिला, मतलब एक्चुअल में पता चला कि एक्चुअल में लाइव कैसे जाते हैं। मेरा फर्स्ट लैपटॉप अनअकैडमी की सैलरी से मैंने ली, मेरा पास लैपटॉप तक नहीं था पता है, और ना ढंग का मोबाइल माइक कुछ भी नहीं था, कैमरा वैमरा तो दूर की बात, एकदम सोच ही नहीं सकते थे। तो अनअकैडमी आया तो उससे जो मेरी सैलरी आई, तब मैंने जब फर्स्ट लैपटॉप ली, ये हुआ वो हुआ, फिर कैमरा आया, तब जाके पता चला कि ओ भाई साहब लाइव जाते तो ऐसे जाते हैं तो ऐसी फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और जितने भी यहाँ पे बच्चे, जितने भी बैच को मैंने पढ़ाई हूँ ना यहाँ पे सारे के सारे 12th बच्चे, सारे के सारे। तो फिर ऐसा कभी कभी लगता है कि बहुत मजा आ रहा है करते करते तो यही चीज है। मैम नौशीन खान थी ना 8 से टॉपर आपका, हाँ, यस क्या बात है यार, पहचान लिए, यस यस यस। तो उसमें से ये सेकंड बैच वाली जो स्टूडेंट थी ना उसका नाम है नौशीन खान, ठीक है, नौशीन खान। और उसका मैंने इस चैनल पे इंटरव्यू भी डाली हूँ तो आप देख सकते हो, ठीक है। वो मेरे ऑफलाइन क्लास की बच्ची है, वो मेरे साथ ऑफलाइन क्लास पढ़ी, और साथ ही साथ वो मेरी कजिन भी है कजिन भी है, अच्छी बात ये है, यस। और इस साल तो भाई ऑनलाइन वाले बच्चे अपने हैं, तो मेरा तो प्लान है कि अपना जब रिजल्ट आ जाएगा तो जो भी बच्चे जो मेरे आसपास नजदीक वाले हैं, मुझे पता चलेगा कि हाँ लो मेरे नजदीक वाले हैं अपन सब मिल सकते हैं, तो बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है। पिछली बार तो बस मैं 2 बच्चों से मिल पाई थी, क्योंकि कुछ मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे खुद डर लग रहा था कि मैं 2 बच्चों को भी हैंडल कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बट अभी ऐसा लगा कि हाँ भाई थोड़े ज्यादा बच्चे भी हुए ना तो मैं हैंडल कर लूंगी। तो इस बार भी अपन मीटअप करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद, ठीक है। सो बस यार मुझे लगता है आज क्या थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें मैंने बहुत बता दी अपने बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे पूछ रहे, मिली चलो यार आज बता ही देते, मैम की थोड़ी जर्नी आपको पता होनी चाहिए ना, तो मैंने बता दी। चलो अब यहीं पे फाइनली सेशन को समाप्त करते हैं, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। बाकी की बहुत सारी बातें यार, बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी स्टोरीज है जो बताने लायक है, बट मैं बताऊंगी, बट बाद में कभी जब अपना सब एग्जाम खत्म हो जाएगा और मैं लाइव आके आपसे बातें करूंगी तब अब मैं बताऊंगी, ठीक है। और उस वक्त जब अपना एग्जाम खत्म हो जाएगा तो एक सेशंस में ऐसे रखूंगी जहां पे हम ना कुछ ऐसी बातें करेंगे जो कुछ बच्चा है कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो मुझे कमेंट में बताना, तो अपन क्या करेंगे डिस्कशन करेंगे कि आप 12th के बाद कुछ एक्स्ट्रा चीजें कर सकते हो क्या, मतलब पढ़ाई के अलावा कुछ और कर सकते हो जिससे आपकी अर्निंग हो, जिससे आपको एक्सपीरियंस बढ़े, तो अपन वो सब आइडियाज के बारे में बात करेंगे, लेकिन कब 12th एग्जाम हो जाएगा उसके बाद, तो वो सब सेशन के लिए भी रेडी रहना, ठीक है, बहुत मजा आएगा। चलो और बाकी सारी जो मैंने आपको बोली हूं ना, नॉवेल्स, एप्रिसिएशन, मैराथन, और अपना और क्या बोली, क्वेश्चन बैंक सॉल्विंग, ये सब आज, ठीक